पास में पूरी रात गाएंगे भादो आधी रात जन्म लियो कृष्ण मुरारी रे। शास्त्र कहता है जो अज्ञानी व्यक्ति हैं वे सोचते रहते महसूस करते रहते आज प्रभु का प्रकाटोत्सव हो रहा है कल प्रभु लुप्त हो जा रहे हैं, लेकिन जो जिज्ञासु है जो श्रेष्ठ जन है जो प्रभु के लाडले हैं दुलारे हैं उनके लिए ना वो कहीं जाता है और ना ही कहीं आता है, ना उसका कभी प्रकाटोत्सव होता है ना वो कभी मरता है, क्योंकि वो तो अजर है अमर है अजन्मा है। वो किसके लिए? योगियों के लिए, क्योंकि योगियों ने योग बल से उसको देखा है, देखने के बावजूद महसूस किया है, और जब महसूस किया है तो मौन हो गए, फिर उसका बखान नहीं कर पाए, कुछ कह नहीं पाए कि ब्रह्म कैसा है, उसके बारे में कोई शब्द 52 अक्षरों में कोई शब्द नहीं है जिससे उसकी व्याख्या की जा सके, नहीं, किसी की जीवा में वो ताकत नहीं जो उसके बारे में कह दे वो ऐसा है। दर्शन किया मुख में ताला लग गया, मौन होकर अंदर ही अंदर उस आनंद का आभास किया और अपने आप को उस जैसा कर लिया, उसी के समीप जाकर उसी में लय हो गए। अभी महाराज श्री एक दिन हिमालय का जिक्र सुना रहे थे कि हम लोग साधना करने हिमालय में गए, हमने क्या देखा, इतनी स्वच्छता कि जो ऊपर ताल है जहां जल भरा हुआ है उनका पानी इतना स्वच्छ और सुंदर है कि नीचे जो छोटे छोटे कण हैं पत्थर हैं वो भी साफ नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे कोई आश्रम भी दिखाई देता है वहां। उत्तरकाशी से ऊपर जाएंगे जहां चार सिंह वाले हैं छोटे छोटे आश्रम भी बने हुए हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देगा। श्रेष्ठ पुरुष साधना करने वाले साधक माताएं बहने आम व्यक्ति को पत्थर नजर आते हैं, पत्थर पड़े हैं दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये सारा प्रकरण समझने का है जानने का है महसूस करने का है। और जो जानने की लालसा से चला है भगवान कहते हैं उसमें और मुझमें तो कोई फर्क ही नहीं है, मैं तो जहां चाहे जब चाहे जिस समय चाहे जिस रूप में चाहे मैं उसके लिए हाजिर नाजिर हूं, मैं उसका हो जाता हूं जो मुझे जानने की जिज्ञासा से एक एक पल एक एक कदम बढ़ाता है। और माताओं यही धर्म है, यही धर्म है, इसको जानकर हम भक्ति में प्रवेश करें। आज हम सब चिंतन करें कि सभी देवी और देवता हिमवंत के यहां पहुंचे हैं और देवी मैना से आग्रह किया, सारे देवता प्रार्थना कर रहे आग्रह कर रहे तुम तप करो। भाई क्या आवश्यकता पड़ी तप करने की, क्योंकि जब आदमी साधना में जाएगा तो ऐसा नहीं कि वहां कोई कष्ट नहीं होता, कोई वहां मालपुए पके रखे पटापट खाओ और चटाटट सो जाओ, नहीं, कभी कमर में दर्द होगा, कभी इंद्रियां इधर से टेढ़ा मेढ़ा करेंगी, कभी मन कहेगा कुछ खाने को मिल जाए, आत्मा कहेगी यहां खाने की व्यवस्था नहीं है चुपचाप बैठा रहे, मन कहेगा नहा करके आ जाओ थोड़ा घूम करके आ जाओ, आत्मा कहेगी यहां ये व्यवस्था नहीं है चुपचाप बैठा रहे। आत्मा के कोड़े शरीर पर पड़ते रहते हैं, आत्मा बार बार इंगित करती रहती है ए जीव बस अब मेरा कार्य कर, और वो कार्य दुनिया में सबसे मुश्किल कार्य, उससे मुश्किल कुछ भी नहीं है,
हम किसी भक्त की साखी को पढ़ लें, किसी के जीवन दर्शन को देख लें, किसी संत के साधना प्रकल्प को देखें, तो पता चलेगा कि सारा समय ना कुछ खाकर देखा, ना पहन कर देखा, ना संसार की चकाचौंध को देखा, ना संसार की अमूल्य धातुओं को देखा, बस साधना में लीन हो गए। और मंत्र की इतनी प्रगाढ़ता कि बार बार उस मंत्र से अपने आप को सिद्ध करके दिखाया। इसलिए श्रद्धालु हम साधना की ओर बढ़े, आओ लौट चले सनातन संस्कृति की ओर। देखो सनातन संस्कृति पूरे वर्ल्ड में ऐसी संस्कृति है जो देवों की संस्कृति है, तपी और तपस्वियों की संस्कृति है, साधना करने वाली माताओं बहनों की भाइयों की संस्कृति है, सभ्य कल्चर में जीने वालों की संस्कृति है, सात्विक आहार, सात्विक दृष्टि, सात्विक सोच, सात्विक मन, सात्विक बुद्धि, सात्विक चित्त रखने वालों की सृष्टि दृष्टि सनातन है। लेकिन हम सब सोचे या चिंतन करें, क्या वाकई हम सनातनी हैं? क्या वाकई हमारे अंदर अपने धर्म के प्रति वो कट्टरता, वो एक भाव है? माताओं ये तो आर्यों की भूमि है, जाम रहते हैं, ये ना किसी मुल्ला की भूमि है, ना मौलवी की भूमि है, ये तो आर्यों की भूमि है। आर्य वो लोग थे जिन्होंने सारा जीवन अपना तप में व्यतीत किया, जीवन का एक एक श्वास प्रणव की साधना में व्यतीत करते हुए नारायण को नारायण से मान लिया। इसलिए आओ लौट चले वैदिक सनातन संस्कृति की ओर। आर्यों के बच्चे होकर भी आज हम भटक रहे हैं, जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि सनातन क्या है, हमें सनातन को कैसे महसूस करना है। हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ाएं, अपने बच्चों में सनातन के संस्कारों का उदय करें। और नहीं करेंगे तो कल शायद बहुत देर हो चुकी होगी जब हम सोचने पर विवश हो जाएंगे। इसलिए बार बार अपने देवालयों में, अपने इष्ट की सेवा में, अपने गुरु की सेवा में, अपने प्रभु की सेवा में जीवन का एक एक क्षण समर्पित कर आनंद के साथ मानव जीवन का आनंद ले। लेकिन दुर्भाग्य तो देखो, प्रभु ने सब कुछ दे रखा है, ऐवे ही सड़ते रहते, बिना मतलब जलते रहते हैं, टेंशन मोल लेते रहते हैं, दुखों को रोजाना मोल लेते हैं, खुशियां नहीं लेते, जो फ्री में मिलने वाली चीजें उन्हें नहीं लेते, बीमारियों को, दुखों को, टेंशन को खरीद खरीद के लाते हैं। अभी पिछले महीने आश्रम में एक परिवार आया, दोनों पति पत्नी और उम्र होगी कोई 26-27 साल। 11-12 बजे आ गए, फोन किया, स्वामी जी कहाँ है? मैंने कहा भाई कथा में है, शाम तक आऊंगा। स्वामी जी हम लोग यहाँ बैठे हैं, अब ये लगा लो 5-6 घंटे वो बेचारे गेट पे बैठे रहे, कभी उनकी स्वामी अंदर जाए, कभी भाई साहब अंदर जाए। मैं लगभग 7-7:30 बजे पहुंचा, बैठा, पूछा क्या बात है भाई? अब ऐसे में बैठा हूं, दोनों पति पत्नी वो बैठी है। मैंने बहन जी से पूछा, बहन जी क्या परेशानी है? महाराज जी वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, पर मैं जहां रहती हूं ना, मेरे पड़ोस में एक लेडी और रहती है और मेरे स्वामी उसे देखते रहते हैं। मैंने पूछा जो ये कमा कर लाते हैं वो तेरे को देते हैं? हाँ देते हैं। साग सब्जी घर में लाते हैं? हाँ लाते हैं। रोजाना घर में आते हैं? हाँ आते हैं। तेरे को कमाई भी ला के देते, तेरे साथ रहते हैं, तेरे साथ खाना खाते हैं, तेरे घर में रहते हैं,
फिर परेशानी। महाराज जी बारी बारी से उसे देखते रहते। मैंने क्या इनकी आंखें फोड़ो? किराए पे रहती है, एक जगह से कमरा खाली किया, दूसरी जगह चले गए। दोनों में इस बात को लेकर लड़ाई। भाई साहब कहते महाराज जी कभी खाना भी नहीं बनाएगी, कभी चाय भी नहीं बनाएगी। अब ये बताओ कमरे ऐसे पास पास में, कोई जरूरी तो नहीं मैं हर समय वही देखता रहता हूं? इसके मन का क्या इलाज है? उसके लिए तो लुकमान हकीम ने भी कहा कि मन में अगर बहम आ जाए तो वह ठीक नहीं हो सकता, कोई दवाई नहीं है उसकी, वो ला इलाज है। लोग ऐसे ऐसे रोग खरीदते रहते हैं। मैंने कहा बहन जी वहां से कमरा खाली कराऊं, या जो लेडी रहती है उसका कमरा खाली कराऊं, या आपको कहीं और बसाऊं? कहते महाराज जी तीसरी जगह आके रह रहे हैं, दो जगह पहले रहते थे वहां भी यही हाल था। ये ऐसी वृत्तियां हमारे मन में, ऐसा संकल्प हमारे मन में, ऐसा पापाचार क्यों आता है? क्यों? क्योंकि साधना नहीं है, संयम नहीं है, हम सात्विक व्यक्ति नहीं है। सात्विकता ने हमारे अंदर जन्म नहीं लिया। नहीं तो माताओं, जो व्यक्ति सात्विक होगा उसकी सोच भी सात्विक होगी, उसकी दृष्टि भी सात्विक होगी, उसका कर्म क्षेत्र भी सात्विक होगा। अरे दुनिया जो मर्जी करे, जहां जाए, मुझे तो मेरे नारायण से तात्पर्य, मेरे नारायण से मतलब है, मैं हूं, मेरा नारायण है। इस आशा से हम जीवन जिए तो 100 साल से भी ज्यादा का समय जी सकते हैं, आरोग्य जीवन जी सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि हम ऐसा जीना नहीं चाहते, हम तो रोग में जीना चाहते हैं, हम जलना चाहते हैं, बेवजह जलना चाहते हैं, बिना मतलब के परेशान। सच मानी जा मेरा आश्रम है, मैं किसी के यहां जाता नहीं। मेरे एक तरफ गोरखाली लोग रहते हैं, एक तरफ गढ़वाली लोग रहते हैं, और जरा सा किसी का नुकसान हो जाए, किसी खेत में कोई गाय चली जाए तो गाली गलौच लड़ने के लिए आ जाएंगे। मैं कहता हूं नारायण इनको भी सद्बुद्धि दे। सब लोग आएंगे लड़ने के लिए, महाराज जी तुम्हारी गाय हमारे खेत में चली गई। अगर सात्विक दृष्टि हो, सात्विक सोच हो, तो व्यक्ति ये ना सोचे कि ये तो देवता है, अरे महाराज जी कोई खरीद के लाए हैं, या महाराज जी इनका दूध पी रहे हैं, या महाराज जी इनसे बिजनेस बढ़ा रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया, मैंने कहा भाई एक बात सुनो, मेरे पास जो गैया आई हैं वो मैं खरीद के लाया हूं, या मेरे गुरु महाराज ने दिए हैं, या सरकार ने दिए हैं, आप लोगों की तो गैया है। और देखो गाय तो देवता है, या तो ये कहो कि डंगर है, देवता है ही नहीं, फिर ये मत कहो कि तुम हिंदू हो। और अगर वाकई तुम हिंदू हो तो फिर गाय को देवता कहो, और देवता ने अगर तुम्हारे खेत से फसल चर ली है, कुछ खा लिया है, तो कोई गुनाह नहीं किया। मेरे सामने रानी साहिबा का 700 बीघे का फॉर्म है, करणपुर में रहती हैं, रानी रानी करते हैं, 700 बीघे। पिछले दिनों उनका बेटा लड़ने आ गया, पुलिस को लेके आ गया, महाराज जी आपकी गायों ने हमारी बहुत सारी जई खा दी है। मैंने कहा ठीक है बेटा, अच्छी बात है। अच्छी बात है? कैसे अच्छी बात है? मैंने कहा तुम राजा हो भाई, रानी के तुम बेटे हो, सारे इलाके में रानी मशहूर है, राजा की खेती में महाराज की गैया चली गई हैं, वो देवता चले गए। मैंने क्या कौन सी पाप वाली बात होगी, कौन सा जुल्म हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे खा दिया, हमारा इतना नुकसान हो गया, आपको दुख नहीं हो रहा है? मैंने क्या मुझे दुख नहीं है, वही पुलिस वाले खड़े थे, सब खड़े थे, पूरा नौटंकी देख रहे थे, मुझे कोई दुख नहीं है, ये देवता है, इसका अधिकार इस धरती पर, हमारे अन्न में, हमारे धन में, हमारे शरीर में, हर चीज में इस देवता का हिस्सा है, हम इसकी सेवा भी करें, इसको चारा भी डालें, इसको अन्न भी खिलाएं, रोटी भी खिलाएं, क्योंकि हमारा मरना और जीना सब कुछ इससे है। और बेटा जाकर के तुम पुलिस में मेरी कंप्लेंट करो, रिपोर्ट लिखाओ कि बाबा की गैयों ने मेरा 10,000 का नुकसान कर दिया है, और फिर मैं शौक से समाज में जाऊंगा, मैं समाज के आगे पल्ला फैलाऊंगा। भाई राजा की खेती में गैयों ने जाकर 10,000 का नुकसान कर दिया, मुझे थोड़ा थोड़ा भीख दो ताकि मैं राजा का नुकसान भरपाई कर पाऊं, मैं ऐसे आपकी भरपाई कर दूंगा।
कैसी क्लिष्टता के साथ हम जीवन जी रहे हैं। कई लोग आके बोलते हैं, महाराज जी कितने सारे डंगर हैं आपके पास। हम ऐसा तब बोलते हैं जब हमें आवास नहीं है, जब हम अच्छे लोगों में बैठते नहीं हैं, जब हम सनातन को जानते नहीं हैं, तब हम गईयों के रूप को ऐसा बोलते हैं। मैंने कहा भाई मेरे पास डंगर तो नहीं है। अच्छा नहीं नहीं अच्छा ये गईया है। बेचारे शर्मसार हो जाते हैं। हाँ गईया 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 नहीं है माताओं, गाय तो वो देव है जो इस पूरी प्रकृति को अन्न भी दे रहा है, जल भी दे रहा है, स्वस्थ जीवन भी दे रहा है और हमें जीने के लिए आरोग्यता भी दे रहा है। इसलिए ऋषियों ने मुनियों ने उसको प्रणाम किया है, उसको नमस्कार किया है, उसकी पूजा की है। शास्त्र कहता है सवेरे उठकर आप गईयों का दर्शन कर लो, उनको सहला दो, आपके सारे ताप संताप दूर हो जाएंगे। जिनके घरों में कर्जा अटाकुट भरा पड़ा है, जो कर्जे से बंधे पड़े हैं, बस थोड़ा थोड़ा गईयों को मीठा पदार्थ खिलाओ। जो जागृत देव है वो सुनता नहीं, वो तो देखता भी है सुनता भी है, सारे कष्टों को दूर करने का उसके पास ऐसा सिस्टम भी है। जागृत देव जो चेतन देव है, वो जड़ नहीं है, वो चेतन है और चेतन की बातें तो जड़ सबसे पहले सुनता है। देखो मंदिरों में नंदी लगे हुए हैं, हम उनके कान में बोलते हैं ना। मैंने कई लोगों को देखा नंदी के बिल्कुल कान में बोलेंगे। जो जड़ है वो तो शायद इतनी जल्दी सुने ना सुने उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो चेतन है वो तत्काल सुन लेता है। प्रैक्टिकल रूप में देखो, किसी के घर में जाओगे और कोई बढ़िया सा भोजन करा दे, बढ़िया सा कोई फल खिला दे, कुछ भी सुंदर सा जिसको पाकर आपकी आत्मा प्रफुल्लित हो जाए तो सती आत्मा कह उठेगी नारायण इसके परिवार में खुशहाली हो। चेतन की सेवा करने से व्यक्ति तत्काल फल प्राप्त करता है। इसलिए ऋषियों ने गाय की सेवा की और गाय के गोबर से रोजाना बैठकर होम किया। इस प्रकृति में ऑक्सीजन की कमी ना रहे। देखो ऑक्सीजन का भंडार भी अथा नहीं है, ध्यान रखना है। प्रकृति में ऑक्सीजन का भंडार भी सीमित है, अनंत नहीं है। जहां जहां से ऑक्सीजन खत्म हो गई वहां जीवन खत्म हो गया, वहां एक घंटा दो घंटा भी कोई जीव नहीं रह सकता। इसलिए ऑक्सीजन के विस्तार के लिए सनातन धर्म में होम का विधान किया गया है। एक चम्मच अगर होम व्यक्ति यज्ञ में देसी घी करता है तो कई करोड़ों टन ऑक्सीजन का निर्माण होता है, वायुमंडल शुद्ध हो जाता है, आरोग्यता मिलती है। लेकिन करना पड़ेगा ना, करने को आज कोई तैयार नहीं है। जितने भी आप पेड़ पौधे देख रहे हैं ये सारे औषधियां हैं इस धरती पर, सारे जो बेकार से बेकार कांटे वाला भी है वो भी औषधि है, वो भी कई कई रोगों को ठीक करने की क्षमता रखता है। जब वायुदेव उसके मकरंद से, उसके फूलों से, उसकी पत्तियों से, उसके फलों से टच होकर गुजरती है, कौन? वायुदेव। तो उसके मकरंदों के कणों को अपने साथ ले जाती है। और कई बार सुबह सुबह खड़े होकर कुछ पेड़ों के पास गहरा लंबा सांस लेकर महसूस करो, उन औषधियों की सारी मकरंद आप श्वास के द्वारा ग्रहण कर लेंगे और खुशी से आनंद से भर जाएंगे। आपकी आत्मा प्रफुल्लित हो जाएगी, महसूस करेगी वाकई ऐसी सुंदर सुगंध प्रकृति में कहीं से नहीं मिल सकती। क्योंकि धन्वंतरी भगवान पूरे दिन कार्य नहीं करते हमारे लिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और अमृत कलश लेकर हमारे घर पर विद्यमान हो जाएंगे। आ जाओ सब, आरोग्य का थोड़ा थोड़ा डोज ले लो। धन्वंतरी ने देखा यहाँ तो कोई जागी ना रहे तो शमशान है,
सबके दरवाजे बंद पड़े हुए, या किसी का दीपक जला ही नहीं है, किसी का आरती वंदन हुआ ही नहीं है, अमृत कलश लेकर आगे बढ़ जाते हैं। पुरातन समय में मैंने देखा लोग सूर्य उदय होने से पहले स्नान आदि कर लेते और अपने द्वार पर थोड़ा पानी छिड़क देते ताकि देवों को पता चल जाए इस घर के द्वार खोले हैं, आगमन के लिए उन्होंने थोड़ा जल छिड़क दिया है, यहां सफाई हो गई है, शुद्धता है। अपने आंगन में तुलसी आदि देवों के पौधे भी रोपे हुए हैं। लेकिन ये सारे माताओं अध्यात्म के प्रकरण करने पड़ते हैं, इनकी सेवा करनी पड़ती है, और नहीं करेंगे तो फिर पशु और पक्षियों जैसा जीवन जियो, खाओ पियो सो जाओ, रात को गए टीवी देखो फिर सो जाओ, कोई आवश्यकता नहीं है जाप करने की, कोई आवश्यकता नहीं है मंत्र जपने की, कोई आवश्यकता नहीं है देव दर्शन की। आज कुछ लोग मेरे यहां भूसा लेकर आए, मैंने मंगवाया भाई भूसा चाहिए, हरियाणा साइड के लोग थे। मैंने पूछा आप हिंदू है कि मुसलमान, उन्होंने कहा महाराज जी हम तो मुसलमान है। अच्छा, मैंने कहा फिर कैसे दोगे भूसा, 1350 रुपए 1400 रुपए क्विंटल दे दो भाई। स्वामी जी दो बोले तोल लो, बाकी ऐसे बिना तोले डाल देंगे, एक दो तीन सी तोल करके अंदाजा लगा लेना, दो बोरे भारी भारी तोल लो, चार बोरे हल्के हल्के। मैंने कहा नहीं, सारे तोलो, सारे तोले तोल कर डाल दिए नीचे। इधर को जरा सी निगाह क्या करनी, दो बोरे तुले हुए बड़े बड़े फिर ट्राली में डाल लिए। अरे ये क्या, बंदा अपने मुख से कहता स्वामी जी हेरा फेरी नहीं करेंगे तो रोटी नहीं मिलेगी, हेरा फेरी करनी पड़ेगी। मैंने कहा तुम 500-1000 रुपये मेरे से ऐसे ले जाओ, मैं ऐसे ही दे दूंगा। स्वामी जी नहीं होगा, हेरा फेरी से 2000 मिल जाएंगे, 3000 मिल जाएंगे, तुम ईमानदारी से 500 दे दोगे तुम्हारा भी दिल दुखी होगा, 500 ज़्यादा दे दिए। हेरा फेरी से हम 2000 ले जाएंगे, चौड़े होकर आपसे कहेंगे इतना भूसा डाल दिया। अपने मुख से बोल रहे हैं बिना हेरा फेरी के नहीं चलेगा। शास्त्र कहता है हेरा फेरी करने से हम अपने पुण्य को खोते हैं। गईयों के लिए हेरा फेरी, देवताओं के लिए हेरा फेरी। उन माताओं को देखो जो रोजाना गईयों के लिए सोचती रहती हैं, हे नारायण मेरे स्वामी तो बड़े कंजूस हैं लेकिन मुझे सामर्थ्य दो, और जब अपने स्वामियों के वस्त्र धुलती हैं तो उनमें से कुछ धन छुपा के रख लेती हैं, बताती नहीं है। सच मानिए नारायण, ऐसी नारियां भारत में सनातन में हैं जिनकी वजह से आश्रम चल रहे हैं, और जब कभी चुपचाप कोई धन देती हैं तो कहती स्वामी जी किसी को नहीं पता चल जाए, किसके लिए, मेरे लिए, धर्म के लिए, मेरे स्वामी को पता ना चल जाए। शास्त्र कहता है अगर धर्म करने के लिए उधार लेना पड़े या चोरी करनी पड़े तो कभी व्यक्ति को पीछे नहीं हटना चाहिए, क्यों, उससे धर्म हो रहा है, धर्मो रक्षति रक्षिता। इसलिए धर्म के लिए हम बार बार प्रयत्न करते रहे। और कुछ भाई बड़े दानी है, उनकी स्वामियां वो बड़ी कंजूस है। देखो बड़ी विचित्र कहानी है सनातन में, और जब वो इतनी कंजूस हैं और खिड़की से झांक लेती हैं स्वामी जी आ गए तो बच्चों को भेज देंगी, अच्छा है अभी बोल दो पापा घर में नहीं है। एक दिन हमने सोचा कोई बात नहीं, आज तो हम धरना देके बैठ जाते ही यही देखेंगे बहन जी भी कितना सच बोलती है। भाई साहब का फोन लगाया, कहाँ हो, स्वामी जी घर पे हूँ आ जाओ। स्वामी जी स्नान करे थे, हम धमक गए जाकर, बहन जी ने देख लिया महाराज जी आ गए तो बच्चों को भेज दिया स्वामी जी नहीं, अच्छा कोई बात नहीं घंटे दो घंटे में आएंगे, हमें क्या करना, दरवाजे पे बैठ के यही माला जाप कर लेते हैं। बहन जी ने अंदर आने के लिए तो बोला नहीं, और हम ऐसे भी नहीं एकदम चले जाए, बाहर बैठ गए, बैठे रहे काफी देर तक। भाई साहब सोचने लगे महाराज जी आ रहे थे, थोड़ी देर के बाद नाश्ता वास्ता किया, चाय वाय की, फोन किया स्वामी जी का, मैंने कहा आपके दरवाजे पे बैठे हैं, बहन जी ने कहा था है नहीं यहाँ। अरे
यकीन नहीं मानोगे मेरे सामने कितनी बातें उन्होंने अपनी भारिया को सुना दी। महाराज जी न जाने कौन सा पुण्य प्रताप मेरे परिवार में हुआ होगा जब ये कंजूस मेरे साथ बंधा हुआ। शास्त्र कहता है प्रभु नरक दे देना पर कंजूसों का साथ नहीं देना। नहीं, कंजूस ना अपने आप धर्म करेगा ना औरों को धर्म करने देगा, ना अपने आप सदमार्ग पर चलेगा ना औरों को चलने देगा, ना अपने आप देव दर्शन को आएगा ना औरों को आने देगा। इसलिए अपने मानव जीवन को नरक में बनाता रहेगा, कभी हम कंजूस ना बने। और लोग ये सोचते रहते हैं कल को क्या होगा, हमें कल को कौन देगा, कल के लिए आज इकट्ठा करते रहते हैं। शास्त्र कहता है कल की मत सोचो आज की सोचो, आज है तो हम सब हैं, हमारा देव है, हमारा धर्म है, हमारा प्रभु है, कल क्या मालूम कौन है कौन नहीं है, कल किसने देखा। इसलिए हम आज बैठकर धर्म करें। सत्कर्मों के लिए सालों साल सोचते रहते हैं महाराज जी मेरे घर में एक सुंदर कांड हो, छह महीने से सोच रही हूं नहीं हो पा रहा, नहीं योग बन पा रहा। शास्त्र कहता है सत्कर्मों के लिए सोचना नहीं है, कभी नहीं सोचना है। मन के अंदर तरंग आ जाए और पैसा नहीं है तो उधार लेकर कर लो, लेकिन सत्कर्म को तुरंत करो। सत्कर्म सोचते सोचते मर गए तो सारे जीवन का पुण्य खत्म हो जाएगा। कुकर्मों को करने के लिए एक बार नहीं हजार बार सोचो, लेकिन उल्टा होता है। सत्कर्मों के लिए सोचता है, अपने परिवार में सलाह करता है और कुकर्मों को तुरंत कर डालता है। शिव महापुराण कहता है कि बार बार सत्कर्मों की ओर बढ़े, सत्कर्मों से कभी मुख ना मोड़े, पीछे ना हटे, बार बार इनको करते रहें और कभी इनसे मन ऊक ना जाए, इसलिए बार बार सत्संग में जाते रहे। बोली शिव महापुराण की, सिद्धेश्वर महादेव की। आज अष्टम दिवस की बेला प्रारंभ हो रही है और हमारे बीच में केवल तीन दिन का अनुष्ठान हो रह गया है। 11 दिन का अनुष्ठान है, 12वें दिन भगवान के विवाह का रिसेप्शन होना है, माने की पार्टी होनी है। ये आप सबको पता है, डोवाल बहन जी इसलिए हंस रही है कि कल 2100 की पर्ची मेरे पास भेजी थी, मैंने कहता एक जीरो लगा करोड़ भेजना है। कहने लगी स्वामी जी बेटे की शादी है, मैंने कहा हम दे देंगे, हमारे पास तो बहुत पैसा है, इधर से रावत बहन जी से मांग लाएंगे, उधर नेगी बहन जी से मांग लाएंगे, हमें कौन मना करेगा, कोई करेगा ही नहीं। लोग कहते नहीं है नहीं महाराज जी, साधुओं के सामने झूठ बोलते हैं, देवताओं के सामने झूठ बोलते हैं और अपनी शान शौकत दिखाने के लिए शादी से पहले कॉकटेल पार्टी रखते हैं और फिर बताएंगे महाराज जी मेरे बेटे की शादी में 2 लाख रुपए की तो शराब लग गई थी, इतने क्विंटल तामसिक भोजन बन गया था। और फिर रिश्तेदारों ने कहा भाई बड़ी अच्छी शादी, खा पी करके रात्रि में 11 बजे जो गाली गलौच होना शुरू हुआ, खाने की प्लेटें लेकर के एक दूसरे के ऊपर मारनी शुरू की, तो सुबह पता चला कि किसी का मुंह नीला हो रखा है, किसी की थाली टूटी पड़ी है, कोई नाली में पड़ा है। तो ऐसे ऐसे सीन होते हैं सनातन में, इसलिए हम इन पर अंकुश लगाएं, कॉकटेल की तरफ कभी ना बढ़े और ना औरों को बढ़ने दें। आइए शिव महापुराण में प्रवेश करें, भगवान सिद्धेश्वर से आग्रह करें प्रभु हमें सामर्थ्य दे। 14 तारीख को भगवान का नगर भ्रमण है, उनको सजाया जाएगा और सजाने के लिए सबके पास मन है, सुंदर सुंदर फूल हैं, फल हैं, साग हैं, सब्जियां हैं, मिठाइयां हैं, ड्राई फ्रूट है, वस्त्र हैं, सोना है, चांदी है, गहने हैं। अब तुम सारे हंस रहे हो मेरी बात को, ये देवताओं की सेवा में लेके आने हैं। 11 बजे से 14 तारीख को पहले भगवान सिद्धेश्वर का श्रृंगार होगा, जिसको दूल्हा बना रहे उसको श्रृंगार करेंगे नहीं करेंगे या ऐसे ही बैठा लेंगे घोड़ी पे, हम तो चले जाएंगे ब्यूटी पार्लर में अपना सज धज के आ जाएंगे और उसको कौन सजाएगा, हम पहले उसका श्रृंगार करेंगे दिव्य में श्रृंगार।
वो ऐसा श्रृंगार चाहता है जिसमें नेचुरल चमक हो, वास्तविक चमक हो, उसमें लीपा पोती नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, सब कुछ नेचुरल हो। तो उस श्रृंगार में साग, सब्जियां, फल, फूल, ड्राई फ्रूट, सोना चांदी तो है ही, ये तो विशेष है। तो ये सारी चीजें हम उस दिन ले लेकर आए, जितनी अपनी सामर्थ्य है उतना लेकर आए, चाहे धड़ी लाए, चाहे क्विंटल लाए, चाहे ट्रक भर के लाए और चाहे मुट्ठी भर के लाए, लेकिन सब लाए और सब मिलकर के फिर भगवान सिद्धेश्वर को सजाएंगे और उसके बाद भगवान की बारात निकलेगी और उसके बाद फिर हम उसमें शामिल होंगे। बोली सिद्धेश्वर महादेव की जय हो। भगवान सिद्धेश्वर को प्रणाम करते हुए आज आनंद गिरी जी महाराज भी गोपावास से बाहर आ गए हैं और हम तो अभी शेयर कर रहे थे कैसा सफर रहा साधना का, तो अपने अनुभव शेयर कर रहे थे, बड़ा आनंद में समय रहा, कुछ पता ही नहीं चला 5 दिन कब आए पर व्यतीत हो गए। तो सबसे पहले शिव महापुराण की स्तुति, उसके बाद आज का प्रसंग। बोली शिव महापुराण की जय हो। श्री शिव महापुराण तेरी बार बार वंदना, श्री शिव महापुराण तेरी बार बार वंदना, श्री शिव महापुराण तेरी बार बार वंदना, शिव महापुराण तेरी बार बार
सीता जी की वंदना, राधा जी की वंदना, श्री कृष्णा जी की वंदना, राधा जी की वंदना, श्री कृष्णा जी की वंदना, तेरी बार बार वंदना, शिव महापुराण तेरी बार बार वंदना, श्री शिव महापुराण तेरी बार बार वंदना। भगवान बालमुकुंद के परिवार का उद्धार करने के लिए प्रभु देवादिदेव महादेव श्याम रूप में उनके परिवार में प्रकट हुए। भगवान बालमुकुंद ने अपार तप किया प्रभु। ओम नमो गुरु रवि पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय।
प्रभु बाल मुकुंद के परिवार का उद्धार करने के लिए भगवान देवादिदेव महादेव उनके परिवार में प्रकट हुए। भगवान कृष्णा देवादिदेव महादेव को मनाने के लिए नीलकंठ के इस क्षेत्र में आए और बैठकर ध्यान किया। किसने? कृष्णा ने। और प्रभु देवादिदेव महादेव से आग्रह किया, प्रभु 99 लाख यदुवंशियों का बहुत बड़ा परिवार है और मैं चाहता हूं इस परिवार का उद्धार करने के लिए आप स्वयं इस परिवार में अवतार धारण करें। भगवान भोलेनाथ ने उस भक्ति को, उस प्रार्थना को स्वीकार किया और प्रभु बालमुकुंद के परिवार में श्याम रूप में अपना प्रकाट्य किया। श्याम सदा शिवाय नमो नमः। किसी को नहीं पता है शिवाय प्रभु के। प्रभु ऐसे बैठे हुए और अपने पूरे परिवार का, छोटे से बड़े से सबको बैठाया हुआ और आज वार्तालाप कर रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं बच्चों को। बेटा, ये जो संत हैं, ये जो ब्राह्मण हैं, संत मेरे मुकुटमणि, मैं संतन को दास। कौन कह रहे हैं? कृष्णा अपने परिवार को समझा रहे हैं। संतों का उपवास नहीं किया करते, उनका भूले से गलती से कभी अपमान ना हो। ब्राह्मणों का, आचार्यों का, साध्वियों का हमेशा सम्मान करो। ये सारी चीजें भगवान कृष्णा अपने परिवार को समझा रहे हैं। अब जो युवा बच्चे हैं, जो जवान हैं, कई बार उनकी बुद्धि में चीजें नहीं आती। आप भी देखते होंगे अपने परिवार में जब बच्चों को समझाते होंगे तो क्या कहते हैं बच्चे? अरे मम्मी बूढ़ी हो गई है, इनको और कोई काम तो है नहीं, सिवाय संतों को, सिवाय ब्राह्मणों को और कोई गंदा नंदा तो है नहीं, ना हमें काम करने देते ना अपने आप करते। आज उन संतों ने इस चीज को महसूस किया कि प्रभु अपने परिवार को ही समझा रहे हैं। बड़े बड़े संत उस समय प्रभु की नगरी में पधारते, वृंदावन के उस क्षेत्र में आते, गंगा का क्षेत्र, उसके तट पर बैठकर साधना और स्वाध्याय किया करते। तो एक दिन प्रभु के पुत्रों ने क्या देखा, चलो आज देख ही लेते हैं कैसे संत है। तो प्रभु के पुत्रों ने क्या किया, जो श्याम उनके भाई थे उनके पेट पर बहुत सारे कपड़े लपेट दिए, उनको एक साड़ी पहना दी, एक घूंघट निकाला और चारों पांचों भाई श्याम को लेकर उस क्षेत्र में गए जहां बड़े बड़े तपी तपस्वी संत बैठे हुए थे, भृगु, चमन, वशिष्ठ, करभाजन, बड़े बड़े दिव्य में संत वहां बैठे हुए थे। और जाकर उन संतों के सम्मुख बच्चों ने क्या पूछा, हे मामुने, ये हमारी होने वाली नई बहू है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, आप ये बताओ इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री होगी। संतों ने ध्यान लगाकर देखा और सोचने लगे, देखो प्रभु के पुत्र होकर, प्रभु की संतान होकर, बाल मुकुंद की संतान होकर आज ऋषियों का उपवास कर रहे हो,
तो जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, इसके गर्भ से ना कोई पुत्र होगा ना कोई पुत्री होगी, इसको ऐसा मूसल होगा जो तुम्हारे पूरी यदुवंश का विनाश करेगा। बोली शिव महापुराण की। श्राप को सुनकर बच्चे डर गए और जैसे घर गए श्याम्ब के शरीर से साड़ी उतारी, देखा लोहे का एक मूसल। दौड़े दौड़े अपने नाना के पास गए, नाना श्री देखो संतों ने श्राप दे दिया है। नाना श्री ने कहा कुछ नहीं होता, चिंता मत करो, चलो उस मूसल के टुकड़े को लेकर समुद्र के किनारे चले गए और घिस घिस करके सारा पानी में बहा दिया, और जो टुकड़ा बचा वो भी पानी में फेंक दिया। बस कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो गया। लेकिन ध्यान रखना, जीवन में किसी की वाणी, चाहे कोई माता है, बहन है, भाई है, आचार्य है, साधु है, सन्यासी, वाणियां काटते होते, कभी कटती नहीं है, कभी मरती नहीं है। जो वाणी तुमने हमने बोल दी है ये अंतरिक्ष में फीड हो जाती है, कभी कटती नहीं है। लोग कहते कुछ नहीं होता, बहुत सारी माताएं भी कहते कुछ नहीं होता, लेकिन ध्यान रखो जब योग बनेगा और समय आएगा वो विचार जीवन में जरूर फूलेगा फलेगा। अब ये निर्णय लेना है कि वो हमारे जीवन में कष्टदायी होगा या सुखदायी होगा। मरेगा नहीं वो जीवन में, जो शब्द बोल दिया कभी नहीं मरेगा। सोचने पर विवश हो गए। जो चूर्ण बनाता हो एरा नाम की घास बन गया, तेजदार। आज भी एरा नाम की घास इतनी तेज है, अगर पेड़ उखाड़ कर हाथ पे मार दोगे हाथ को भी काट देगा, तलवार का काम करता है। और जो टुकड़ा उसमें फेंका वो मछली ने निगल लिया। समय आया, भेलिए ने उस टुकड़े के पीस से अपना तीर बनाया जो प्रभु के चरण बिंद में लगा जा करके, और सारे यदुवंशियों ने दारुणी मदिरा का पान कर लिया। अब मदिरा तो भाई चाहे देसी पियो और चाहे इंग्लिश की पियो, चाहे कोई पहाड़ की पियो, चाहे कोई प्लेन की पियो, पीने के बाद तो फिर वो अपना असर दिखाएगी दिखाएगी। सबने दारुणी मदिरा का पान किया और सारे लड़ने लगे। पहले वाणियों के वज्र चलने लगे, फिर जो घरों में अस्त्र थे शस्त्र थे वो सारे चलने लगे, और सारे यदुवंशी आपस में लड़ लड़ कर मर मर कर वहीं खत्म होने शुरू हो गए। लड़ते लड़ते समुद्र के क्षेत्र के उसी पास आ गए जहां एरा नाम की घास खड़ी थी, उखाड़ करके जब एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे सारे यदुवंशी वहीं धाराशाही हो गए। शिव महापुराण की। यदुवंश में कौन उत्पन्न हुआ है? शिव जी। कौन उत्पन्न हुए? शिव जी। किसके रूप में? श्याम के रूप में। और कब आए? जब कृष्णा ने बैठकर तप किया, प्रभु मेरे परिवार का उद्धार करने के लिए चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल 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 चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव भगवान चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ।
काशीराज चले आओ हे मुरलीधर माधव काशीराज चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ शिव शंकर भगवान की जय। समस्त देवों में शिव ही एक ऐसे देव हैं जिन्होंने अपने भक्तों का ना रंग देखा है ना रूप देखा है ना उसका वैभव देखा है, सारी शक्तियां उसको ऐसे ही उड़ेल दी। अपनी आंखों को बंद करके भोले ने सारा सुख उसको ऐसे ही दे डाला। इसलिए ऐसे भोलेनाथ हैं देवादिदेव महादेव। एक राक्षस को वरदान दे दिया, कौन थे वो? भस्मासुर ने तप किया, प्रभु मुझे अमर अजर अमर होने का वरदान दे दो। नहीं, अजर अमर तो नहीं हो सकते। अच्छा, तो मैंने भक्ति की है, फिर मेरी भक्ति के ऋणी रहो। भगवान भोलेनाथ ने कहा, नहीं ये भी नहीं हो सकता, तुमने भक्ति की है तो जरूर तुम्हें उसका फल मिलेगा। और भस्मासुर को अनंत शक्तियां प्रदान की है? और जिसको भी तुम आशीर्वाद दोगे, सिर पर हाथ रखोगे, कई माताएं आती है ना, कहती है सिर पे हाथ रख दो, बस वही भस्म हो जाएगा। भस्मासुर ने देखा भोलेनाथ के साथ तो देवी त्रिभुवन सुंदरी है, क्यों ना इसी को ही ले लिया जाए और भोलेनाथ को भस्म कर दिया जाए। तो भस्मासुर अब आशीर्वाद देने के लिए अपने गुरु के अपने प्रभु की ओर ही दौड़े। भगवान देवादिदेव महादेव ने देखा, ये क्या, मेरा शिष्य है और ऐसे करतूत। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, नृतांगनी बनकर नृत्य करने लगे। अब जो राक्षस होते हैं उनमें प्रज्ञा बुद्धि नहीं होती, तीव्र बुद्धि नहीं होती, अल्प बुद्धि होती है। अब भस्मासुर भी ऐसे ही उसके एक्शनों में आनंदित होने लगे और झूमते 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 आनंदित होते होते एक बार ऐसा स्टेप आया कि नृतांगनी ने जैसे ही दोनों हाथ अपने सिर पर रखे, भस्मासुर वहीं भस्म हो गए। बोली शिव शंकर भगवान की। किसी ने शिव की थोड़ी सी भी भक्ति की है तो शिव ने उसे अपार शक्तियां प्रदान की। देवी गांधारी ने अपने जीवन में भगवान शिव की आराधना की तो इतनी अपार शक्तियां सदाशिव ने उसको दी कि देवी तुम अपनी दृष्टि से जिसको भी देख लोगे वही वज्र का हो जाएगा, दुनिया में उसको कोई मार नहीं पाएगा। किसने? सदाशिव ने देवी को आशीर्वाद दिया। और सच मानिए, अगर छलिया दुर्योधन के सामने ना आता, अरे द्रुवनीत अपनी मैया के सामने जा रहे हो और इतने बड़े नग्न अवस्था में तुम्हें लज्जा नहीं है, शर्म नहीं आती? दुर्योधन अगर अपने गुप्तांगों पर पत्ते ना लगाता तो कभी नहीं मारा जाता। छलिया जानते थे कि गांधारी को भगवान शिव का आशीर्वाद है, जिसको भी देख लेगी वही वज्र का हो जाएगा, इसको कोई दुनिया में मार नहीं पाएगा। तो उसके सामने छलिया प्रकट हो गए और उसके सारे तप को छलिया, शर्म नहीं है तुम्हें, लज्जा नहीं है, इतने बड़े अपनी मां के सामने नग्न जाओगे और जहां पत्ते लगाए थे दृष्टिपात वहां हो ही नहीं पाया। देवी गांधारी उन्हीं पत्तों को देखकर विलाप करने लगी, पुत्र मैंने तो तुम्हें नग्न अवस्था में आने के लिए बोला था, ये क्या? दुर्योधन कहने लगे, मैया फिर मैं दोबारा ऐसा करूं? नहीं, अब नहीं हो सकता। शिव ने ऐसा अपार आशीर्वाद अपने भक्तों को दिया, इसलिए हम उसकी कृपा के पात्र बने, हम उसकी शक्तियों के कुपात्र नहीं सुपात्र बने। उसके वैभव का, उसकी आनंद का, इस दाधाम पर आनंद लेने का
हम सबको गौरव, हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए माताओं, हम नाम के नहीं कर्म के शिव भक्त बने, शिव के पुजारी बने, शिव के सेवक बने, शिव की सेविकाएं बने और गर्व से कह पाए हम शिव भक्त हैं, सनातनी हैं, हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। इस भावना से हम अपने राष्ट्र की सेवा और रक्षा करें। आज का प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। सदैव शिवम बाबा जी मच्छासीन हो गए हैं। सारे देवता कल से डेरा डाले हुए हिमाचल के यहां बैठे हुए हैं। और दृश्य देखो, अवलोकन करो, एकदम से कोई नहीं मानता। आपके घर में भी अगर अभी 10-20 साधु चले जाएं और आपको कहें देवी तुम जाप तो करती नहीं हो, ये लो माला जाप करना शुरू करो, तो आप भी 10 बार सोचेंगी, 20 बार सोचेंगी, क्या पता पूरा दिन सोचने पे लगा दें, क्या पता ये कह दें स्वामी जी मेरे पति आएंगे मैं उनको पूछूंगी पहले जाप करूं या ना करूं। तब तक तो साधु वहीं बैठे रहेंगे। सारे देवी और देवता हिमवंत के यहां बैठे हुए हैं, डेरा डाला हुआ है, धरना दिए बैठे हैं और हिमवंत को मना रहे हैं। हे हिमवंत, तुम अपनी भारिया के साथ शिव की आराधना करो, शिव की भक्ति करो, ताकि शिव प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दें। श्रद्धालुओं, ऐसा शिव पुराण में प्रसंग चल रहा है। शिव महापुराण सुनकर के हम एक संकल्प जरूर ले लें, अपने धर्म के लिए हम कुछ न कुछ आज से अभी से प्रारंभ करेंगे। ये नहीं जैसे आम कथा है, हमने कथा सुनी, प्रसाद खाया, कल शिव महापुराण किसका, परसों कहीं देवी भागवत में बैठेंगे, तरसों भागवत में बैठेंगे, डाक के 3-5 चौथा लगेंगे, 5वें की आस, एक कथा सुनी हमने, कुछ नहीं लिया, बस अच्छे व्यास जी आए थे, अच्छे बढ़िया गढ़वाली गीत गाए उन्होंने, अच्छे नेपाली गीत गाए, हम खूब नाचे गाए, खूब मजा आया, बस यहां तक हम सीमित रह गए। नहीं, हर कथा में हमने संकल्प लेना है, विद्वानों के विचारों को सुनकर जो भी हमें विचार उत्तम लग रहा है, अपने धर्म के लिए उत्तम लग रहा है, अपनी संस्कृति के लिए उत्तम लग रहा है, हम उसका संकल्प लेकर के उस पर कार्य करना शुरू करेंगे, तब हमारा कथा सुनना सार्थक होगा। और नहीं तो जीवन में और पाप ही पाप लगेगा। विद्वानों के सम्मुख बैठे ब्रह्म विचारों को सुनकर भी हम अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला पाए तो इससे बड़ा दोष भी और कोई नहीं होगा। तो आइए आज का प्रशंसन करें। बोली व्यास जी महाराज की। बोली शिव महापुराणी की। आप सभी अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में बनाकर अपने हृदय में भगवान सिद्धेश्वर का ध्यान आप सभी करेंगे। अपने मेरुदंड को सीधा करें, 3 बार आप प्रणव का उच्चारण करेंगे अपने मुख से। सबने बोलना है, सबकी आवाज मेरे तक आनी चाहिए। से मृत्यु कस्मै देव
देवां हविसाविधीमा ओम शांति ओम ओम शांति ओम सर्वार्षु शांति अखंड मंडलाकारं व्याप्तमियेन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः सचिदानन्दिरूपाया विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रिविनाशाय श्रीपरमात्मने नमः निराकारि ओंकारि मूलम् तुरियम् गिरा ज्ञान गोती तमिशम् गरीशम् करालम् महाकाल कालम् कृपालम् गुणागार संसार पारम् नतोहम् केदारनाथाही नमः सिद्धेश्वराही नमो नमः कपिकेश्वराही नमो नमः पतालेश्वर नमो या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः मा गुराहे नमः पार्वती माताए नमो नमः नंदीश्वराहे नमो नमः विश्वेश्वराहे नमो नमः मनोजीवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथे मोक्षं श्रीरामे दूतं शरणं प्रपादे श्रीरामे दूतं शरणं प्रपादे श्रीरामे दूतं शरणं प्रपादे श्रीरामे दूतं शरणं प्रपादे राजा राम राजा राम राजा राम
राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय हो ताले की सेवा करते हुए भगवते नारायणम ओम नमो भगवते नारायणम ओम नमो भगवते नारायणम नारायणम शिव नारायणम जय हो नारायणम शिव नारायणम जय हो नारायणम शिव नारायणम शंभो नारायणम नारायणम शंभो नारायणम नारायणम शंभो नारायणम एक बार अपने दोनों हाथ उठा करके प्रभु के चरणों में अपनी उपस्थिति लगा दीजिए। जैसे स्कूल में जाते हैं ना, तो स्कूल में तो खड़े होकर के अटेंडेंस लगती है, लेकिन अगर खड़े नहीं हो सकते तो दोनों हाथ से दे करके ओम नमो भगवते नारायणम 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 ओम नमो भगवते जिससे अनंत में ज्ञान का हम लोग रसास्वादन कर रहे हैं। बोले शिव महापुराण की कथा में जब हम बैठ जाएं तो हमारा ध्यान यहां रहना चाहिए, कमर को सीधा करके बैठे हम लोग, ज्ञान मुद्रा में बैठे, हमारे अंदर अलर्टता होनी चाहिए बैठने। सभी देवी देवताओं का सानिध्य, उनका प्रेम आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हुआ। हमें पता चला कि देवता 33 कोटि हैं। ये हमारी एलकेजी की क्लास है। जैसे हम नर्सरी में अपना एडमिशन कराते हैं ना, तो जब हम नर्सरी में जाते हैं तो पता चलता है कि देवता 33 कोटि हैं।
धीरे धीरे एक एक क्लास को फाइट करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो देवता दो रह जाएंगे, एक जड़ और एक चेतन। जिस दिन गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा उस दिन पता चलेगा कि देवता तो एक ही है और वह देवता कोई और नहीं है, केवल ईश्वर है। ईश्वर एक है और उसके रूप अनेक है। तो आइए समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में प्रार्थना करें कि आपने तन से, मन से और धन से इस यज्ञ को तृप्त किया। व्यासपीठ से समस्त देवताओं से हम प्रणाम करके आशीर्वाद की कामना करते हैं। बोली समस्त देवी देवताओं की। भगवान सिद्धेश्वर के चरणों में अनेका अनेक संत महात्माओं को सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। कितने पुण्य आत्माएं, साथ ही साथ कितना प्रसाद किया उन महात्माओं ने जिन्होंने भगवान सिद्धेश्वर के चरणों में अपना जीवन व्यतीत किया। अब ये तो हमारे मानने का विषय है ना, मानो तो गंगा है और ना मानो तो, मानो तो गाय क्या है, माँ है और नहीं तो एक। अगर वास्तविकता में हम सिद्धेश्वर को अपना मान रहे हैं, हमारी श्रद्धा कितनी श्रद्धा है हमारी भगवान के अंदर, तो जो संत यहां पर रहे उन्होंने श्रद्धा से, भाव से भगवान की सेवा करने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ। व्यासपीठ से समस्त संत महात्माओं के श्री चरणों में आप सभी धर्मज्ञ माताएं बहनें जिन्होंने विगत दिनों से संकल्प ले लिया कि जिन्होंने अपने काम की भी परवाह नहीं की, अपने घर की भी परवाह नहीं की और भगवान की इस सेवा में, इस फुलवारी में अपना समय व्यतीत किया, व्यासपीठ से एक साथ आप सभी को नमस्कार करते हुए भगवान सिद्धेश्वर से हम सभी के लिए आशीर्वाद की कामना करते हैं। बोली सिद्धेश्वर महादेव की जय। जीवन का एक एक पल बीत रहा है और हम भ्रम में जी रहे हैं। हम देख रहे हैं इस संसार को बड़ी गहनता से देख रहे हैं और सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि सब व्यक्ति यहां से चले जाएंगे, हम कभी भी नहीं जाएंगे। मृत्यु शाश्वत सत्य है, हमारे अंग संग हैं, नौ द्वार हैं इस शरीर के अंदर, इन नौ द्वारों के चारों ओर चक्कर लगा रही है मृत्यु और उस मृत्यु से हमारी रक्षा कैसे हो रही है, हमारी स्वयं की सावधानी से हो रही है और जिस दिन सावधानी हटेगी दुर्घटना घटेगी। मृत्यु कब आई उसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। मृत्यु के आने से पहले संत महात्माओं ने कहा कि जिस कार्य के लिए जन्म मिला है ना उस कार्य को हम कर लें। ये खाने पीने के लिए नहीं मिला, ये सोने के लिए नहीं मिला, ये घूमने के लिए नहीं मिला, केवल मनुष्य तन में आकर के व्यक्ति ब्रह्म की पराकाष्ठा में कदम रखता है और ब्रह्म ज्ञानी होकर के वह परमात्मा का मंत्र जप करता है, इसलिए ये मानुष तन हमें प्राप्त हुआ है। संत महात्मा आपकी गलियों में आते हैं और यही आवाज देते हैं कि ऐ संसार के प्राणियों समय बीत रहा है, ये जो समय बीत रहा है उठो जागो और प्रभु का चिंतन करो। जिसने किया भजन पार वो हो गए और जिसने भजन नहीं किया
दिन गवाया खाई के और रात गवाई सोए और हीरे जैसा जन्म है कोड़ी बदले नटीवरे नागरे नंदा बजोरे मन गोविंदा नटीवरे नागरे नंदा बजोरे मन गोविंदा। कीर्तन में बैठकर भी नहीं गा रहे हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। कीर्तन में बैठे हैं, अभी सुन लिया व्यास जी के मुख से, कौन पार होंगे, कौन पार होंगे, जिसने किया भजन, जो भजन करने वाला है। अरे भजन में बैठे हो तो ताली की सेवा कर लो भाई, गा लो, ऐसे बैठे मुंह पिचकाए हुए। नटेवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा नटेवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा बजोरे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा बजोरे मन गोविंदा नटेवर नागर नंदा बजोरे मन
सखी बज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि, आटत यम का बल्ला बजोरे मन गोविंदा, आटत यम का बल्ला बजोरे मन गोविंदा, बजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा बजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा बजोरे मन गोविंदा, हरि नागर भगवान सिद्धेश्वर महादेव की जय। देखो भाई, माता प्रेमा को देख करके एक चीज तो साक्षात्कार होती है, उनकी उम्र लगभग 70 साल है, है? कितनी? हम तो 70 तक पहुंचेंगे भी नहीं, उससे पहले ही गोविंदा ही नमो नमो हो जाएगा, लेकिन उनकी उल्लास को देखो, उमंग को देखो, क्या उमंग है। और जब जवान अवस्था में होंगी, जिस इष्ट के सामने एक बार हर हर महादेव कह दिया, वही आशीर्वाद देने के लिए आतुर हो गया, ऐसी इतनी वृद्धावस्था में भी अभी गाल देखो बिल्कुल सेब की तरह चमक रहे हैं, है? ऐसे लग रही है जैसे कोई 20-22 साल की बहन बेटी हो। तो ये सब भजन का कमाल है, कीर्तन का कमाल है, अपने इष्ट के सम्मुख उसे खुश करने का कमाल है। और ये कला ऐसा नहीं है, ये देवों ने पहले करके दिखाई है। कृष्णा ने सब गोपियों को, सब ग्वालों को, सब देवताओं को रास रचा कर दिखाया है, अगर आनंद जीवन चाहते हो तो रास में आ जाओ। और भगवान शिव ने भी इस कला को पूरी दुनिया को दिखाया, अगर सुख और वैभव चाहते हो तो नट की तरह, कई जगह देखो भगवान नटराज की प्रतिमा क्यों लगाई गई, क्योंकि संसार उसे देखकर प्रफुल्लित तो होता रहे, हमारा इष्ट हमारा प्रभु इतनी सुंदर कलाओं में नृत्य करता। और शास्त्र कहता है जो अपने इष्ट के सम्मुख रोजाना नृत्य करते हैं वो 100 वर्ष से भी ज्यादा का समय आरोग्य जीवन जीते हैं। इसलिए माताओं, नृत्य बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ा योग है। माता गोसाई को बार बार आशीर्वाद कि आपके जज्बे को देखकर हमें भी शक्ति मिलती है। बोली सिद्धेश्वर महादेव की। बोली शिव शंकर भगवान की। अभी भजन के ऊपर कॉन्सेप्ट चल रहा है, भजन भी सीखना पड़ेगा, ध्यान दे रहे हैं आपसे नहीं, ये देखना पड़ेगा कि प्रभु किस तरह का भजन लाइक कर रहे हैं। जैसे हम लोग खाना खाने जाते हैं ना, तो पहले से माताएं सोचती हैं कि महाराज जी कैसा खाना खाएंगे। प्रभु का जो भोजन है ना, वो भजन है, किस तरह का भजन हमने बोलना है, किस तरह का कीर्तन हमें करना है। अब जब हम प्ले ग्रुप में होंगे तो किस तरह का कीर्तन करेंगे, जब हम बड़ी क्लास में जाएंगे तो किस तरह का कीर्तन होगा, और जब हम PhD में पहुंच जाएंगे तो वहां पर किस तरह का कीर्तन चलेगा, इसको भी जीवन में सीखना पड़ेगा। भगवान को कैसा भजन प्रिय है, भगवान कैसा कीर्तन चाहते हैं आपसे। अब कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, फूड कीर्तन करने बैठ जाते हैं। फूड कीर्तन समझते हैं कि भगवान को कीर्तन वो प्रिय नहीं जो हम कर रहे हैं, उसकी अंत तरंग को पकड़ो कि प्रभु कैसा भजन चाह रहे हैं, कितनी क्लासिकता में प्रभु भजन चाहते हैं। जब साधक इस चीज को पकड़ना सीख लेता है, अभी जैसे आप कथा सुन रहे हैं तो हम आपको देख करके भजन गाते हैं कि कैसा भजन चाहिए आपका, जिससे आपका मन फिर से यहाँ पर क्या हो जाए, केंद्रित हो जाए। अब यहाँ बैठे बैठे काफी विचार सुनते सुनते ना मन कभी घर में पहुंच जाता है, सोचते हैं कि बहू पता नहीं क्या कर रही होगी, बेटा पता नहीं क्या कर रहा होगा,
हमारे ये अंदर एक नई चेतना जन्म ले, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आ जाए। अब हमें वैसा ही भजन गाना है ताकि हम लोग एक्टिव हो जाएं। तो प्रभु कैसा भजन चाहते हैं, उस भजन को हमें पकड़ना है। और वो भजन ऐसे नहीं पकड़ा जाएगा। ऋषि मुनियों ने ध्यान अवस्था में जाकर के कैच किया उसको, ध्यान से देखा कि महादेव कैसा भजन चाहते हैं। कभी कभी वो तीखा भजन, कभी कभी रसीला भजन, कभी कभी मीठा भजन, कभी कभी ऐसा भजन कि प्रभु हमें नृत्य रूप में देखना चाहते हैं। कभी कभी प्रभु ऐसा भजन चाहते हैं जो बहुत मीठा हो, मृदुल हो, स्वाद भरा हो, ऐसा भजन। समस्त देवता कहां पहुंचे, हिमवान की पावन भूमि पर। हिमांचल राज की जो पत्नी है उसका नाम क्या है, मैना। कल आपको मैना का मैंने पिछला वर्तान सुनाया था ना, मैना इच्छा शक्ति से किसी भी लोक में आ जा सकती थी। देवताओं ने हिमवान से आग्रह किया, हिमवान तुम्हें तप करना चाहिए और तुम्हारी पत्नी को भी तप करना चाहिए। जब तुम तप करोगे तो तुम्हारे यहां पर साक्षात शिवा, सती, गौरी, भगवती प्रकट होंगे। और जब शिवा तुम्हारे यहां पर पुत्री बनकर के आएंगी तो उनका विवाह भोले नाथ के साथ होगा। और जब भोले नाथ के साथ उनका विवाह होगा तभी तारकासुर जैसे राक्षसों का अंत होगा। ये अनादि काल से चला आ रहा है, केवल आज से नहीं है। राक्षस देवता, कभी कभी राक्षस हैवी हो जाते हैं, देवता पीछे हट जाते हैं, कभी कभी देवता हैवी हो जाते हैं। जहां पर बहुसंख्यक समाज रहता है उनमें एकता कम होती है, जहां पर समाज अल्पसंख्यक होता है वहां पर एकता बनने लगती है। अब इस क्षेत्र में बहुसंख्यक हिंदू है ना, कहां है उनके अंदर एकता। इस मंदिर के आसपास हजारों परिवार रहते हैं, लेकिन उन हजार परिवारों में से कितनी बहनें आती हैं, मुश्किल से 50-100 बहनें आकर के बैठती हैं। अभी बहुसंख्यक है ना, इसीलिए एकता दिखाई नहीं दे रही। जिस दिन अल्पसंख्यक हो जाएंगे ना उस दिन एकता दिखाई देगी हमारे अंदर, फिर काम को भी छोड़ करके यहां बैठेंगे। तो इसीलिए हिमवान और मैना को देवता आग्रह कर रहे हैं, उनके अंदर उस प्रकार की पात्रता है, उस प्रकार का लेवल है उनके अंदर, उस प्रकार के उनके अंदर संस्कार हैं। देवताओं के आग्रह पर हिमवान और उनकी पत्नी मैना ने अपने जीवन में तप करने का संकल्प ले लिया। किसको प्रसन्न करने के लिए, देवी माता को प्रसन्न करने के लिए। वह कब प्रसन्न होगी, कब नहीं प्रसन्न होगी, कोई उसका टाइमिंग फिक्स तो है नहीं। कलयुग के मनुष्यों ने तो अपने टाइमिंग फिक्स कर लिए, 16 सोमवार का व्रत रख लो तो भोलेनाथ क्या होंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। हमने स्वयं टाइमिंग फिक्स कर लिया, बस इतने टाइम तक भोलेनाथ का व्रत करो, 21 दिन मंदिर आओ, भोलेनाथ तुरंत हमारी मनोकामना क्या करेंगे, क्या करेंगे, पूर्ण कर देंगे। चाहे पात्रता हो ना हो, उस चीज के लिए हम लायक हैं कि नहीं हैं, बस हमारे दिमाग में एक सुई फिट हो गई कि यहाँ पर 21 दिन आओ, भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अरे भाई, वहां पर कोई सोर्स थोड़ा ही ना चलेगी, वो तो स्वयं ही आपको चुनेगा, वहां पर किसी की सोर्स नहीं चलेगी। भगवान जब तुम्हारे अंदर पात्रता देख लेंगे, उस प्रकार की एबिलिटी देख लेंगे, उस प्रकार की योग्यता देख लेंगे, तो भगवान
उस कार्य के लिए आपको स्वयं क्या करेंगे, चुन लेंगे। अब वो प्योरिटी तो हमारे अंदर आई नहीं। अब मक्खन के अंदर हमने बाती लगा ली है और हम दिया जलाएं तो नहीं जल सकता, क्योंकि उसके अंदर अभी छाछ है, अभी उसके अंदर वो प्योरिटी नहीं है। जब तक उस मक्खन को गर्म नहीं करेंगे, कपड़े में नहीं छानेंगे और पूरी तरह से छाछ अलग हो जाए और घी अलग निकल आए, तो बत्ती लगाओ उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। जब तक साधक की जीवन में प्योरिटी नहीं आएगी तो मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। तो हिमवान और मैना देवताओं के आग्रह पर त्याग तपस्या में बैठ गए हैं और देवी मां की मूर्ति का उन्होंने निर्माण किया है। मूर्तियों के विषय में बताया था मैंने आपको, हमारी जो शरीर की शक्तियां हैं वो संसार में बिखरी रहती हैं, इधर से उधर इधर से उधर। जब पूजा करने बैठते हैं ना तब उन चीजों का एहसास होता है। आज इस सफर में बहुत सारी बहनें मिलती हैं और कहती कि महाराज जी हमारा ध्यान ही नहीं लगता, क्योंकि जब भी पूजा में बैठेंगे ना उसी समय हमें पता चलेगा कि हमारी शक्तियां कितनी संसार में फैली हुई हैं। कभी मन इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी वहां पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है हमारा। जीवन में कुछ जगह ऐसी है जहां पर हम अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि कितनी प्योरिटी है हमारे अंदर। आप घर में कोई पाठ कराओ, कथा कराओ, उस दिन पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या है, उस दिन प्योरिटी के बारे में पता चलेगा। जब घर में कथा कराएं, कीर्तन कराएं और उस दिन हमें गुस्सा आ रहा है ना, तो हमारे पाप क्रम देखो कैसे टकरा रहे हैं। हमें कह रहे हैं कि इस कार्य को मत करो, अपने जीवन का एक्सपेरिमेंट करना है तो गंगा जी के किनारे जाओ जो पाप नाशनी है। जब गंगा के किनारे खड़े होंगे तो एक मन करेगा कि डुबकी लगाऊं और दूसरा मन करेगा कि पानी ठंडा है, गंदा है, मैला है, कुचैला है। अब जो पापी है ना वो गंगा में स्नान कर ही नहीं पाएंगे, वहीं से हल्का सा आचमन किया और लौट आए। यहां से सोच करके चलेंगे कि इतना दान करेंगे, लेकिन गंगा जी के किनारे पर इतने सैनिक खड़े हैं आपके हाथों को ऐसे जकड़ देंगे और सोच करके भी हम दान नहीं कर पाएंगे। तो कुछ पॉइंट ऐसे बने हुए हैं जहां पर अपने जीवन का मूल्यांकन हम लोग कर सकते हैं कि जीवन कहां तक पहुंचा है हमारा, कितने भाग्यशाली हैं हम लोग। इसके भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं लेकिन उनको यहां पर हम लोग जिक्र नहीं करेंगे। तो आज हिमवान और मैना दोनों ने माता रानी की मूर्ति का निर्माण किया ताकि हमारा ध्यान इधर उधर ना भटके। पूजा का मीनिंग क्या है कि सम्मान। जैसे हमारे घर में मेहमान आते हैं ना तो हम पूरी एकाग्रता से उनके लिए चाय, कॉफी, बिस्किट, नमकीन रखते हैं, बड़े भाव से उनको खिलाते हैं, तो मेहमान जाकर के क्या कहते हैं कि भाई बहुत अच्छी सेवा की। और घर में मेहमान आ जाए, चाय कहीं रखें आप लोग, बिस्किट्स कहीं रखें, भाव है नहीं, तो मेहमान क्या कहेंगे? मेहमान कहेंगे कि रखा तो उन्होंने सब कुछ था लेकिन उनके मन में भाव नहीं था, एकाग्रता नहीं। पूजा का मीनिंग है कि एकाग्रता लाओ अपने जीवन में, पूरी एकाग्रता मन वचन कर्म से उस कार्य को करो, वही पूजा है, वही सम्मान है। मन कहीं और होगा, ध्यान कहीं और होगा, बात बनेगी ही नहीं। मूर्ति का दूसरा जो फल है वो क्या है? मूर्ति स्ट्रॉन्ग है, हम लोग क्या है, चंचल है, हमारे अंदर प्रभाव चल रहा है, चेतनता है हमारे अंदर।
तो यहां पर ऋषि मुनि कह रहे हैं कि जड़ और चेतन जब तक पूरी तरह से नहीं जुड़ेंगे तब तक आनंद आ ही नहीं सकता है। अब जिसे पेड़ खड़े ना, तो पृथ्वी क्या है? जड़ है। और पेड़ के अंदर क्या चल रहा है? चेतनता चल रही है। जब पेड़ पृथ्वी को अच्छे से क्या करता है, जकड़ लेता है, पकड़ लेता है, तो अपने वाइब्रेशन पे खड़ा है। चाहे तूफान आए, आंधी आए, वो खड़ा रहता है। तो आइए हिमांचल आज और मैना के साथ में मिलकर के हम लोग भी स्ट्रॉन्ग तरीके से, मजबूत तरीके से, एकाग्रता पूर्ण किससे जुड़ जाएं? माता रानी से जुड़ जाएं। क्योंकि माता की भक्ति में क्या हो रहे हैं? लीन हो रहे हैं, माता को प्रसन्न करने पे लगे हैं। और देवता हो, ऋषि हो, मुनि हो और गुरु हो, सब ये चाहते हैं कि अगर मुझसे जुड़ रहा है तो पूरे स्ट्रॉन्ग तरीके से जुड़े। अगर इसके अंदर लचीलापन है ना, ये पपीते का पेड़ है, तो बात नहीं बनेगी। आप चाहे सिद्धेश्वर से जुड़े, चाहे ऋषि मुनियों से जुड़े, देवी देवताओं से जुड़े, आपके अंदर क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्गपन होना चाहिए कि हिमालय झुक नहीं सकता, वो टूट सकता है, लेकिन उसके अंदर लचीलापन नहीं आ सकता। तो हम लचीले मन से, लचीले भाव से कभी किसी के साथ ना जुड़े। कहते हैं कि मैं आपके साथ में दिल से जुड़ा हुआ हूं। तो आइए हम लोग भी हिमान और मैना के साथ में, दिल से माता रानी के साथ में कुछ पल के लिए जुड़ जाए। बोलिए भगवती माता की, दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है, उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। भोली भगवती माता की जय हो। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, 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 बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, ¡Gracias!
बोले नारायण भगवान की जय। हिमवान और मैना हिमवान और मैना दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं माता रानी को जोर से बोलो प्रसन्न कर रहे हैं कि माता रानी क्या हो जाए शिव महापुराण में आता है कि एक नहीं दो नहीं लंबे टाइम के लिए लंबे अरसे के लिए वो माता रानी को क्या कर रहे हैं प्रसन्न कर रहे हैं। माता रानी ने इतना लंबा समय क्यों लिया प्रसन्न होने में सोच रहे हैं आप लोग। बोले शिव महापुराण की माता रानी ये देख रही हैं ये परिवार मेरे लिए स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है इसके अंदर मजबूती है कि नहीं है बोली शिव शंकर भगवान की। देखिए आप इधर उधर मत देखिए आप अपनी एनर्जी को यहां पर लगाइए जितने भी देवी देवता हैं वो प्रत्येक जीव के अंदर दो चीजों को महसूस करते हैं देवता ये देखते हैं कि कच्चे हैं कि पक्के हैं इस संसार में दो ही तो व्यक्ति हैं एक कच्चे और दूसरे पक्के। अब जिस मंदिर में हम बैठे हुए ना यहाँ पर भी दो ही प्रकार के भगत हैं एक क्या है पक्के और दूसरे क्या है कच्चे। अब एक माता जी ने मुझे परसों ही फोन किया कि महाराज जी आप कहाँ हो मैंने कहा मैं तो आश्रम में हूं मैंने क्या आप कहा
कि मैं घर पे हूँ और मैं 3 दिन के बाद बागड़ जा रही हूँ, बागड़ देश। नाम तो सुना होगा ना आपने। मैं कहाँ जा रही हूँ, जोर से बोलो, बागड़ देश। अब उस माता जी ने घर में भी मंदिर बनाया हुआ है, वहां पर भी भोलेनाथ, माता रानी, बागड़ वाला पीतर, पता नहीं क्या क्या उसने उस मंदिर में बिठा रखे हैं। और हर महीने वो हरिद्वार स्नान करने भी जाती हैं। अब उनके पास एक मंदिर और भी बन गया है, वहां पर भी वो हर हफ्ते जाती है। एक मंदिर पहले भी बना हुआ है, वहां पर भी जाती रहती है, आश्रम में भी आती रहती है। लेकिन वो सबसे ज्यादा दुखी रहती है। आज जीवन की वो बात बता रहा हूं कि जो आज तक हमें किसी ने नहीं बताई। इतने मंदिरों पे जाने पर, इतने देवताओं को बिठाने पर, तब भी वो इतने परेशान है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन एक ही है कि क्योंकि वो कच्ची है। ये कोई जरूरी नहीं कि हमने मंदिर बना लिया और बहुत सारे देवता बिठा लिए तो हम पक्के हैं। जब तक जीवन में पक्के नहीं बनेंगे ना, तो चाहे हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, कहीं मंदिर में जाओ, मठ में जाओ, जीवन में कष्ट पे कष्ट आते ही रहेंगे। देवता हमारे अंदर हमारी ऑबिलिटी को चेक करते हैं, ये मेरे प्रति कितना पक्का है। और कई माताओं ने, कई भाइयों ने अपने ऊपर पक्के होने का मार्का भी फिट करा लिया है। वो कहते हैं कि शिव भक्त है, पूरा पक्का भगत है, शिव जी का पक्का भगत है। ये बहन क्या है, माता रानी की पक्की भगत है, इसे कोई डिगा नहीं सकता, इसे कोई हिला नहीं सकता। तो जो पक्के हो जाते हैं, बस उन्हीं का जीवन संवरना शुरू हो जाता है। और जो कच्चे होते हैं, आज यहां और आज वहां, हमारे साथ भी ये सब कुछ होता है। अब जैसे महाराज जी आपको कहते ना कि जप करो, ध्यान करो, कि परसों को हम लोग जप करेंगे, ध्यान करेंगे, हमारे सामने भी कई कई महिलाएं, कई कई पुरुष बैठते हैं, माला लेते हैं, जप करते हैं। अब जो कच्चे हैं ना, वो 2-4 दिन करते हैं, फिर माला कहीं और मंत्र कहीं और। लेकिन ऐसे से भी भक्त हैं जो कंटिन्यू उस क्रिया को करते चले जा रहे हैं, और वो प्रतीक्षा करते रहते हैं कि एक बार महाराज जी कुछ बोल तो दें, कोई सेवा बोल तो दें, एक बार वो ये कह दे कि मुझे गईयों के लिए भूसा चाहिए, एक बार कह दे। उन्हें चाहे कुछ भी करना हो, उधार लेने हो, ब्याज पे उठाने हो, लेकिन वो गईयों के लिए भूसा लेकर के उपस्थित हो जाएंगे, क्योंकि वो क्या है, पक्के हैं। जो पक्के हैं वही कॉन्फिडेंस के साथ में कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा। और जो कच्चे हैं उन्हें कितना भी सत्संग सुनाओ, जैसे चिकने गड़े होते हैं ना, उन पे कितना भी पानी छिड़को, उनके ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। तो देवता क्या देखते हैं, हमारे अंदर पक्कापन देखते हैं। और जो पक्के हो चुके हैं ना, तो देवता तो धन के क्या है, स्वामी है। देवाधीनम जगत सर्वे, सारा ब्रह्मांड देवताओं के अधीन ही तो है। और देवता ने एक बार ये देख लिया कि मेरा भगत पक्का है ना, एक कण भी अगर हमारी ओर फेंक दिया ना, उस कण को समेटने के लिए 7 पुश्ते लग जाएंगे, इतना धन है देवताओं के पास में। लेकिन देवता अपना धन उसी को देते हैं जो पक्के हैं, और जो कच्चे हैं ना, वो कभी आज यहाँ, आज वहां, कभी इधर कभी उधर, बेचारे मांगते मांगते उनका जीवन ऐसा बन गया है कि कल्पना नहीं कर सकते, और सारे कष्ट उनके जीवन में चलते चले जा रहे हैं। अब सनातन संस्कृति में कुछ व्यक्ति जो हिंदू है ना, जो वह पक्के,
और कुछ क्या है सेकुलर। कभी मन किया तो चले गए मंदिर, और जिस दिन मंदिर आएंगे ना वो चाहे यहाँ पे दान करें ना करें, उसी दिन आकर के यहाँ पर क्या करेंगे पूरा पूरा एक्शन दिखाएंगे कि हमसे बड़ा कोई भगत है ही नहीं। शास्त्र बार बार कहता है कि प्राणियों आप जिस भी देवता को मानते हो उसके प्रति निष्ठावान बनो, उसके प्रति सशक्तमान बनो। किसी गुरु को मानते हो तो बस उस गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ, फिर देखो जीवन में सारी चीजें अपने पास चली आएंगी। हिमवान तपस्या कर रहे हैं 3000 वर्षों तक, देवी चाहती तो पहले दिन ही प्रकट हो जाती, 3000 वर्ष उसने क्यों लिए। वो इस चीज को देख रही है कि मैं इस घर में आऊंगी, ये मजबूत है कि नहीं है। अगर ये मजबूत नहीं है ना, वो चेतना कभी भी उससे अटैच हो ही नहीं पाएगी। तो हम अपने जीवन में जब ध्यान साधना करके मजबूत बने, स्ट्रॉन्ग बने, हम कच्चे ना बने। अगर हम सिद्धेश्वर की शरण में बैठे हैं ना तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कहें कि सिद्धेश्वर हमारे हृदय में वास करता है, और जब उसका उत्सव हो ना तो हमारे जीवन में उसके प्रति रियलिटी हो एकदम, और ऐसी रियलिटी हो, ऐसा कंपटीशन हो कि प्रभु आपने मुझे सब कुछ दिया है, और ऐसा सब कुछ दिया है कि मैं उस सब कुछ में से मैं आपको क्या अर्पण करूं। ऐसा कौन सा परिवार है जिसको परमात्मा ने सामर्थ्य नहीं दी। यहां पर जितने भी बहने भाई बैठे हैं ना, सबको इतनी इतनी सामर्थ्य दे रखी है ना, लेकिन क्या है देने के बाद भी हमारे अंदर वो भाव उत्पन्न नहीं हुआ। तो हिमवान और मैना ने जब अपार तप किया 3500 वर्षों तक, और माता रानी ने देख लिया कि अब ये क्या हो चुके हैं, स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, पक्के हो चुके हैं, तब माता रानी उनके सम्मुख प्रकट हो गई। बोले भगवती माता की जय। माता रानी ने कहा कि मांगो, क्या इच्छा है, देख लेना, ठोक पीट करके देख लिया। अब हमारे साथ में बहुत सारे बच्चे हैं, हम भी देखते हैं उन बच्चों के अंदर कितने पक गए हैं, कितने कच्चे हैं। जो पक गए हैं ना उनको 2 मिनट लगती है, 2 सेकंड नहीं लगेगी उनको लाखों पति बनाने के लिए, और जो बेचारे कच्चे हैं वो पूरे जीवन भर बोझ ढोते रहेंगे, उनको कुछ भी प्राप्त नहीं। माता रानी ने कहा कि मांगो, क्या इच्छा है। हिमान और मैना ने जब माता रानी को देखा, देखते ही कहा कि आप अपने जैसे पुत्री हमें प्रदान कर दो, मांगते हैं तुमको तुमसे, प्रभु को प्रभु से ही मांग रहे हैं। हे प्रभु अगर कुछ देना चाहते हो ना तो आप स्वयं आ जाओ, और हम क्या मांगते हैं प्रभु, बस ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए, नश्वर चीजें, नश्वर जिनका तत्काल ही नाश होने वाला है, ऐसी चलायमान चीजें मांगते रहते हैं। प्रभु एक घर दे दो ना, नौकरी लग जाए, धन आ जाए, चलायमान चीजों को मांगते हैं, मांगना नहीं आता। अरे संसार की चलायमान चीजों को क्या मांग रहे हो, भगवान से भगवान को मांगो। जिस दिन आप भगवान से भगवान को मांगोगे ना और भगवान ने आपकी ओर देखना शुरू कर दिया तो भगवान की दृष्टि में क्या है, माया बैठी हुई है, कृपा बैठी हुई है। जिधर भी भगवान अपनी दृष्टि घुमा देंगे वही व्यक्ति क्या हो जाएगा, अमीर होता चला जाएगा, और जिसके ऊपर से भगवान अपनी कृपा रूपी दृष्टि हटा लेंगे वो चाहे कितना भी कर्मठ क्यों ना हो वही गरीब होता चला जाएगा। कृपा की ना होती आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत। बोली वाले मुकुंद भगवान की, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी की न होती जो आदत तुम्हारी। तालियों की शिवा शंकर भगवान की देवी माँ कह रही कि मांगो तो क्या मांगा देवी से देवी को ही देवी स्वयं विवश हो गई कि मैं अपने जैसी पुत्री आपको कहां से ला कर दूंगा हे मान आपने तप किया है तो जाओ मैं स्वयं ही तुम्हारे यहां पर पुत्री बन करके आऊं ताली की जगुस में भी कंजूसी कर रहे हैं साधक बताइए अरे हिमवंत ने तप किया है तो भगवती प्रकट हो गई जोर से ताली का उद्घोष करें कमाल है भाई अब मैना से पूछा कि मैना आपने भी अपने स्वामी के साथ बराबर तप किया है अब तुम भी कुछ मांगो मैना ने कहा कि माते मेरे स्वामी ने जो मांगा है ना वही मुझे प्रिय है परंतु अगर आप देना ही चाहते हो जब तुम पुत्री बनकर के मेरे आंगन में आओगी तो अपने साथ अपने भाइयों को भी लेकर के आओ और ऐसे पुत्रों को मुझे प्रदान करो जो बलशाली हो ऐसे पुत्र नहीं चाहते मैं ऐसे पुत्र चाहती हूं जो बलशाली और एक पुत्र नहीं दो नहीं तीन नहीं अपने आने से पहले इस आंगन को अपने भाइयों से ही भर दे छोटे परिवार की तो कभी कल्पना महात्माओं ने राजाओं ने की ही नहीं वसुंधै कुटुंबकम ये सारी दुनिया क्या है हमारा परिवार है बोली शिव शंकर भगवान की देवी माँ ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ मेरे आने से पहले मैना तुम्हारे यहाँ पर पुत्र ही होंगे और कैसे पुत्र होंगे बलशाली पुत्र होंगे मैनाक आदि पुत्र होंगे जिनके अंदर अनंत बल होगा देखते देखते हिमवान के यहाँ पर अब पुत्र प्रकट होने लगे और उनके बड़े पुत्र कौन है मैनाक और मैनाक की जो मित्रता थी वो किसके साथ में थी समुद्र के साथ में थी और हनुमान जी महाराज कहां जा रहे थे लंका में जब उड़े आ रहे थे तो मैनाक ने देखा कि पवन पुत्र आ रहे हैं शंकर सुमन केसरी नंद क्यों ना मैं बाहर निकल करके आग्रह करूं कि आप काफी दूर से चले आ रहे हैं मेरे ऊपर बैठ करके थोड़ी सी देर क्या करो विश्राम करो कौन बाहर आए थे हिमांचल राज के पुत्र मैनाक देखते देखते समुद्र से मैनाक बाहर आई
हनुमान जी महाराज से आग्रह कर रहे हैं कि प्रभु आप काफी दूर से उड़े आ रहे हो, थक गए होंगे, मेरे ऊपर बैठ करके थोड़ा विश्राम करो। हनुमान ते ही परसा करे, परसा मीन्स बैठने से पहले हनुमान जी महाराज क्या करने लगे, विचार करने लगे। हनुमान ते ही परसा कर कीन पुनी प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। सियावर राम जय जय राम, रे मन बसियो सीताराम। सियावर राम जय जय राम, रे मन बसियो सीताराम। पवन चंद हनुमान की जय। हनुमान जी महाराज कह रहे, विचार कर रहे हैं कि मैं किसके कार्य के लिए निकला हूँ, राम जी के कार्य के लिए, परंतु मैनाक मेरे स्वागत के लिए बाहर आए हैं, हिमांचल राज के पुत्र हैं, बलशाली हैं, मैं इनका अनादर भी नहीं कर सकता। हनुमान जी महाराज ने मैनाक पर्वत से कहा कि मैं राम का कार्य करने के लिए जा रहा हूं, अभी मैं अपने जीवन में विश्राम नहीं कर सकता, परंतु मैं आपसे वायदा करता हूं कि जब मैं राम का कार्य करके आऊंगा तो मैं आपके ऊपर बैठ करके विश्राम करूंगा। हनुमान जी महाराज ने मैनाक पर्वत का कैसे सम्मान किया है, अब जैसे कोई हमारे घर में पानी लेकर के आ जाए और हम उस पानी को ना पिए तो परिवार सोचते हैं कि न जाने ये पानी क्यों नहीं पी रहे हमारे, तो हम लोग क्या कहते हैं, उस पानी को स्पर्श कर देते हैं, सम्मान। राम काज सब करे हूं तुम बल बोधि निदान, आशीष दे गई सो हरिषि चले हनुमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। बलशाली हैं, प्रभु को समर्पित हैं, नेचुरल पक्के हैं, इसीलिए हनुमान जी महाराज ने उनको स्पर्श किया, आशीर्वाद दिया और आगे के लिए निकल गए। अब एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, माता रानी तो आशीर्वाद देकर के अंतर्ध्यान हो गई, पुत्र भी प्रकट हो गए। इस जीवन में पक्के भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे मैनाक पर्वत है ना, अब भगत भी दो प्रकार के पक्के हैं। अब कौन सा पक्का बनना, हमने हमें ऐसे पक्के नहीं बनना है जैसे कुम्हार ने घड़ा बनाया, कच्चा घड़ा बनाया और घड़ा बना करके आवे में लगा दिया, 40 दिन तक वो पकता रहा पकता रहा पकता रहा, और फिर कुम्हार ने जब घड़ा निकाला और जैसे उसमें उंगली लगाई तो उसमें से आवाज नहीं आ रही है। कुमार देख रहा है कि पक्का भी है लेकिन इसमें तो आवाज ही नहीं है। अब जैसे हम भी आश्रम में देखते हैं कि बच्चा तो पक्का है लेकिन इसको आवाज लगाएं तो इसके अंदर आवाज, जोर से बोलो, नहीं है। अब सिद्धेश्वर के प्रति पक्के तो हैं हम लोग, लेकिन जब कोई कार्य सिद्धेश्वर में होता है और आवाज लगती है तो हम नहीं आते। पक्के तो हैं लेकिन जब भगवान आवाज लगा रहे हैं तो हम नहीं आते, तो फिर कुम्हार उस घड़े को क्या करता है, कुम्हार का मन देखता है पक तो गया है लेकिन पकने के बाद भी खराब हो गया है, और उस घड़े को उठाता है और सीधे जोर से देकर के मारता है
और उसके अंदर जो अभिमान है वो चूर चूर हो जाता है। तो पक्के बनना है तो अभिमानी रूपी पक्के नहीं बनना है, एटीट्यूड में नहीं रहना है कि बस हम लोग अकड़ में रहें कि हम लोग शिव भक्त हैं, हम तो देवी के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, बस कोई हमारे से बात ही ना करे, तो ऐसे पक्के नहीं बनना है। कैसा पक्का बनना है? समर्पण। शिव महापुराण की जय। हमारे बीच अभी अभी समाज सेवी जगत बंधु सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं सुमित प्रजापति जी और दिलीप शर्मा जी भारत विकास परिषद से, जो बड़े ही समाज सेवी भी हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। भगवान सिद्धेश्वर हम सबको आशीर्वाद दें कि ऐसे दिव्य में ही संतों के दर्शन। संत इसलिए कहा जाता है जो समाज की सेवा करने वाला है, राष्ट्र की सेवा करने वाला है, वो संत ही कहलाता है। सो आज हमारे बीच में पुनः एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलिए शिव महापुराण की। देखते देखते धीरे धीरे अब समय आ गया जब हिमवान के यहाँ पर साक्षात जगदम्बा भवानी शिवा क्या हुई, प्रकट हो गए। बोली भगवती माता की जय। और पूरा हिमांचल पर्वत, पर्वतों की श्रृंखलाएं जहां पर गंगा यमुना जया विजया माता रानी के पहले से ही उपस्थित थी, तो पूरा पर्वत सुगंधित केशर चंदन से भर गया और भगवती वहीं पर क्या हो गई, प्रकट हो गई। पूरा हिमांचल राज आनंद में नहीं ब्रह्म आनंद में समा गया। तो ब्रह्म आनंद में हमारा भी मन है कि पर्वतराज के यहाँ पर जहाँ पर गंगा यमुना जया विजया इतनी देवियां कि जहाँ पर स्वयं नौ देवियां विराजमान हैं, दास दासियां विराजमान हैं, पूरा हिमवान का जो परिवार है भगवती को प्राप्त करके ब्रह्म आनंद में समा गया है। तो बोली भगवती माता की गौरा ढूंढ रहे किसी ने मेरा शिव देखा, गौरा ढूंढ रहे किसी ने मेरा शिव देखा, शिव देखा मेरा बाबा देखा, शिव देखा मेरा बाबा देखा। देखो आज तो खुशियां मनाओ, आज तो हिमांत के यहाँ देवी का प्राकट्य हो गया, आज भी हम ऐसे बैठे रहेंगे तो बड़ी लानत की बात है भाई। बाबा देखा मेरा सिद्धेश्वर देखा, बाबा देखा मेरा शिव देखा, और ढूंढ रहे किसी ने मेरा शिव देखा, गोरा ढूंढ रहे किसी ने मेरा शिव देखा, शिव देखा मेरा बोला देखा, शिव देखा मेरा बोला देखा, बोला देखा शंकर देखा, बोला देखा मेरा शंकर देखा, और ढूंढ रहे किसी ने मेरा शिव देखा, और ढूंढ रहे किसी ने मेरा शिव देखा। सब खुशियां बनाइए, खड़े होकर खुशियां बनाइए। शिव हमने कैलाश पे देखा, समाधि लगाए हुए ओ गोरा तेरा शिव देखा, ओए समाधि लगाए हुए ओ गोरा तेरा शिव देखा, गोरा ढूंढ रहे किसी ने मेरा देवा देखा, गोरा ढूंढ रहे किसी ने मेरा शिव देखा। जय जय
पशुपति में देखा, नेपाल में देखा, पशुपति में देखा, हंदी चराते हुए शिव देखा, गोरा ढूंढ रही किसी ने मेरा शंकर देखा, गोरा ढूंढ रही किसी ने मेरा शंकर देखा, गोरा तेरा शिव हमने ऋषिकेश में देखा, गोरा तेरा शिव हमने ऋषिकेश में देखा, ऋषिकेश में देखा देवभूमि में देखा, ऋषिकेश में देखा देवभूमि में देखा, समाते हुए गोरा तेरा शिव देखा, गंगा समाते हुए गोरा तेरा शिव देखा, गोरा ढूंढ रही किसी ने मेरा शिव देखा, गोरा ढूंढ रही किसी ने मेरा शिव देखा, गोरा तेरा शिव हमने सिद्धेश्वर में 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 देखा, सिद्धेश्वर में देखा तेरी गुफा में देखा, सिद्धेश्वर में देखा तेरी गुफा में देखा, दास रचाते हुए गोरा तेरा शिव देखा, दास रचाते हुए गोरा तेरा शिव देखा, गोरा ढूंढ रही किसी ने मेरा शिव देखा, गोरा ढूंढ रही किसी ने मेरा शिव देखा, गोरा ढूंढ रही किसी ने मेरा शिव ईश्वर के भक्तों की। अब तो हमें लग रहा है कि कुछ भगत पक्के हो गए हैं इसी महाप्राण सुनकर। अरे बाबा पक्के नहीं, महापक्कों की बात बोलो, कहां कच्चे पक्कों की बातें कर रहे हो। बोले सिद्धेश्वर महादेव की, यहाँ कच्चा कोई नहीं रहता, ये भूल जाओ, यहाँ सारे पक्के ही पक्के हैं। देवी प्रकट हो चुकी है, कल वह तप करेंगी, किसको प्राप्त करने के लिए, भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए कल देवी क्या करेंगी, तप। कल हम लोग तप का वर्णन सुनेंगे और परसों भोलेनाथ का क्या होगा, विवाह होगा। तो तैयारियां शुरू हुई हैं कि नहीं हुई हैं? एक बहन जी का तो मैसेज आया था आज फोन पे। अब भाई ऐसा है, एक दिन हमारे बीच में है, कल हमने सारी शॉपिंग वॉपिंग कर लेनी है, क्योंकि हमारे पास ईश्वर ने दो चीजें दे रखी हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखो दो हाथ है, दो आंखें हैं, दो कान हैं और नासिका के दो ही छिद्र हैं, मैक्सिमम दो दो चीजें दे रखी हैं। अब जब विवाह होगा तो एक कपड़े तो वो है जो हम डेली रूटीन में पहनते हैं, और दूसरे कपड़े वो होते हैं जिन्हें हम केवल शादी के अवसर पे ही। अरे इससे ज्यादा क्या सजाओगे, माता जी के स्वरूप को देखो, पूरी दुल्हन बनी हुई है, मेहंदी लगी हुई है, श्रृंगार है, और इससे ज्यादा क्या सजाओगे भाई, कमाल है, कमाल हो गए, मैं समझने पे विवश हूँ, और इससे ज्यादा क्या सजाओगे बताओ मुझे। तो देखिए शादी के अवसर पे हम लोग जो डेली रूटीन के कपड़े होंगे उन्हें नहीं पहनेंगे हम लोग,
जिन वस्त्रों को हम अपनी अपनी संस्कृति में अपने अपने संस्कारों में पार्टी पर्पस पे पहनते हैं उनको हम लोगों ने पहनना है, हाथों पे मेहंदी भी लगानी है, अपने अस्त्र शस्त्र सुसज्जित करने हैं। तो भाई जिन्होंने शॉपिंग नहीं की है वो अपना कर लें क्योंकि परसों टाइम नहीं है, और किसी के पास पैसे वैसे कमी है तो इधर गोलक रखी है, यहाँ से ले जाएं, बहुत धन है, यहाँ सबको मिल जाएगा, सारी चीज़ें हैं। स्वामी जी ने अभी अभी बोला है किसी को अगर पैसे की कमी है तो इधर चुपके से आ जाएं, ले जाएं। तो अब हमने भी कल शॉपिंग करनी है क्योंकि आपने क्या लहंगा खरीदना है, चला जाएगा नहीं, आपने क्या लहंगा खरीदना है, अरे ये धोती पहनने। तो सनातन संस्कृति के लिए ये कथा हमारे बीच में हो रही है ताकि हम लोग जगें और औरों को भी जागृत करें। धर्म की जागृति के लिए, धर्म की उन्नति के लिए ये कथा आपके बीच में है। और कौन से धर्म के लिए हम लोग जयकारा लगाते हैं ना, धर्म की जय लगाते हैं ना, लेकिन आज बहुत सारी बहनों को बहुत सारे भाइयों को ही नहीं पता चला है कि वो धर्म कौन सा है जिसके लिए हम जयकारा लगा रहे हैं। सनातन धर्म की जय हो और सनातन धर्म को ना मानने वाले लोगों का पतन हो। तो इसीलिए सनातन धर्म की जागृति के लिए ये कथा आपके बीच में है और महाराज जी ने भी पूरा प्रयास किया है, हमने भी प्रयास किया है कि हम स्वयं तो जगें औरों को भी जगाएं। कथा का जो मेन उद्देश्य वो है कि हम सचेत हों। अभी आपने एक वायरस का नाम सुना ना, कोरोना वायरस, वो वायरस तो आया और उसका प्रभाव होकर के निकल गया लेकिन अभी भी उसका प्रभाव है, परंतु भारत भूमि में सबसे बड़ा वायरस तैयार हो रहा है। एक नाम सुनते ना कैंसर, उससे भी बड़ा वायरस तैयार हो रहा है। तो उससे लड़ने के लिए हम लोग क्या हो, सचेत हो, तब हमारा कथा सुनना क्या होगा, सार्थक होगा। हम कहीं नृत्य करने में ना रह जाएं, हम कहीं भजन करने में ना रह जाएं, उसके साथ साथ जो वायरस, कैंसर रूपी वायरस भारत के कई राज्यों को निगल रहा है, उससे हम लोग क्या हो, सचेत। और आपके क्षेत्र में जब कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो धर्म से संबंधित हो और चाहे वो राजनीति से संबंधित हो, कारोबार से संबंधित हो, तो सारे कार्यों को विराम करके उन कार्यों में आगे आकर के कदम रखो। जब हम कार्यक्रमों में आते हैं और विचारों को सुनते हैं तो विचारों को सुन करके ही पता चलता है कि अब हो क्या रहा है। हमारी तैयारी होगी तो सनातन की रक्षा होगी और सनातन की रक्षा होगी तो हम सबकी सुरक्षा होगी। सनातन की रक्षा नहीं कर पाए तो हम अपनी रक्षा का स्वप्न ना देखें कि हमारी कोई रक्षा करे। और जो हमारे अंदर भागने की आदत है वो भागने की आदत ना हो। जैसे पर्वत स्ट्रांग होता है इसी प्रकार से हम स्ट्रांग होकर के क्या हो, खड़े हो। अगर किसी हिंदू के साथ में कुछ हो रहा है ना, उसके साथ में खड़े हो हम लोग। हम ये ना सोचे कि हमारे पड़ोसी के साथ में कुछ हो गया तो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, हमें इसके पास जाना नहीं। ये ईर्ष्याएं त्याग करके अनेकता में एकता का हम लोग परिचय दें। जब हम लोग अपने समाज के व्यक्तियों के साथ में खड़ा होना सीख लेंगे तो तब लगेगा कि हिंदू जाग रहा है। अभी हिंदू जाग नहीं रहा है।
अभी हिंदू जाग नहीं रहा है, जितना उसको जागना है, जितनी उसके अंदर जागृति आनी है। राक्षस विजन तैयार कर रहे हैं, राक्षस जाग रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं जाग रहे हैं। तो हमें इन कथाओं के माध्यम से जागना है और राक्षसों का मुकाबला करना है। इन्हीं विचारों के साथ में आप सबसे अंशदान भेजा है और श्री श्री अंजू गोसाई जी की स्मृति में उनकी माता जी हैं प्रेमा गोसाई जी, जो 501 रुपए की धनराशि भेज रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। नारायण परिवार को स्मृति दे और परिवार में सुख हो, आनंद हो। और हमारी एक सुंदर कांड मंडली है, उसमें भाई बहनें सब होंगे। 21 रुपए की धनराशि भेजी है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। जिन भावनाओं से आप सबने गईयों की सेवा में ये धनराशि भेजिए, आपको बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। श्रद्धालुओं, सिद्धेश्वर देवादिदेव महादेव इस बार 14 अगस्त को नगर परिक्रमा पर निकल रहे हैं, और जब देवता अपने गर्भगृह से नगर परिक्रमा में जाते हैं तो नगरवासियों का उल्लास उमंग उत्सव होना चाहिए। आज हमारे देवता नगर परिक्रमा पर है, हम उनका स्वागत वेलकम सत्कार करें। जो जो भी हमारी संस्कृति है, जैसे हमारी संस्कृति में पुरातन समय में वस्त्र पहने जाते थे, चाहे हम पहाड़ से हैं, प्लेन से हैं, नेपाल से हैं, गढ़वाल से हैं, कुमाऊं से हैं, कहीं से भी, हमारे परिधान से हमारी पहचान है। और ये नेट के द्वारा ये कैमरा आपके उस परिधान को, आपके उसके उल्लास को, उमंग को उस समय नेट के द्वारा पूरी दुनिया में दिखाएगा कि सिद्धेश्वर के भक्तों में कितना उल्लास और उमंग है। 14 तारीख को हम पूरे जोश में, पूरे उत्साह में, उमंग में आए, अपने अपने अस्त्र और शस्त्र लेकर आए। हमारे उस दिन सर्वप्रथम आचार्यों के द्वारा यहां शस्त्र पूजा होनी है। हमारे पास चाहे भाला है, चाहे हमारे पास त्रिशूल है, चाहे कोई गदा है, चाहे कोई राइफल है, तलवार है, फरसा है, जो भी हमारे पास उत्तम से उत्तम सुंदर शस्त्र है उसको हम लाएं, उसकी पहले यहां पूजा होगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। बहन जी की ओर से 500 रुपए की धनराशि आई है, गौ सेवा में जोरदार तालियां। शक्ति का आह्वान करेंगे, हम किसी को डराने नहीं आए हैं और ना ही किसी को प्रताड़ित करने के लिए आए हैं, लेकिन अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हम ये प्रण करते हैं। हम किसी से व्यवस्था ना मांगे सुरक्षा की, रक्षा की हम स्वयं की, अपने परिवार की, अपने घर की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं लेंगे। हम अपने परिवार के धर्म रक्षक बनेंगे तो अपने गांव के, शहर के भी हम रक्षक होंगे। हम इस आशा से उस दिन सिद्धेश्वर की शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगे। और माताओं, आप सबका सुंदर सौभाग्य, इस बार पहली बार भगवान सिद्धेश्वर की ऐसी सुंदर एक झांकी आपको देखने को मिलेगी जो पहली बार देखोगे। अभी तक वो झांकी ना बनी है और भविष्य में जो बनाएंगे वो भगवान सिद्धेश्वर के अनुयायी होंगे, लेकिन इस बार वो झांकी पहली बार दिखाई देगी जब स्वयं रूप में भगवान सिद्धेश्वर आप सबको दर्शन देंगे। बोले सिद्धेश्वर महादेव की। और उस झांकी में बना, उसको झांकी को बनाने के लिए लगभग 44,000 रुपए का खर्चा आ रहा है। 100-200 में नहीं बन रही है, गोल्डन धातु से बन रही है। और उसमें सबसे बड़ा दान ये इंदू राणा केदारपुर से है, जो उस शिवलिंग है, तो 15,000 रुपए की धनराशि दे रहे हैं। जोरदार तालियां। परिवार को बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने भगवान सिद्धेश्वर के स्वरूप में अपना अंश दान भेजा है। और इसी कड़ी में अमर थापा मोबे वाला से 1100 रुपए की धनराशि भेज रहे हैं। आदर्श थापा बंजारा वाला से 1100 रुपए की धनराशि भेज रहे हैं। ताली की सेवा सब करें। विजेश्वरी कवर केदारपुर से 1100 रुपए की धनराशि भेज रहे हैं। आशीष मेठानी टी स्टेट से 501 रुपए की धनराशि भेज रहे हैं। देखो भाई, 500 की धनराशि मत लिखवाओ,
या तो उसके आगे दो दो जीरो लगाओ, तीन तीन लगाओ, और क्या। अरे भाई हम करोड़पति लोगों के बीच में बैठकर कथा कर रहे हैं, कोई गरीब गुरुओं में थोड़ा ही ना करे। आपने सत्यनारायण की कथा सुनी है कि नहीं सुनी? जिन्होंने सुनी हाथ उठाओ। सत्यनारायण की कथा सुनी है? किस किस से सुनी? हाथ पूरा उठाओ ना, इतना से क्यों उठा रहे हो? कैमरा दिखाओ। सबने सत्यनारायण की कथा सुनी है? लकड़हारा अपनी लकड़ियों को बेचने के लिए कहां जाता है? कहां जाता है? गरीब लोगों की बस्ती में, शहर में नहीं। आपने कथा नहीं सुनी है, अब ध्यान से सुनो। लकड़हारा अपनी लकड़ियों को धनी मनी लोगों की बस्ती में बेचने जाता है, और ये संकल्प होता है नारायण, आज मुझे लकड़ियां बेचकर जो भी धन मिलेगा, मैं अपनी आपकी पूजा का सामान लेकर आऊंगा। और उस दिन नारायण जब इस बात को देखते हैं कि लकड़हारे के अंदर भाव उत्पन्न हो गया, तो उसकी लकड़ियां दुगने दाम में बिकती हैं। बोली सिद्धेश्वर महादेव की। सिंगल दाम में नहीं बिकी, दुगने दाम में बिकी। ऐसे शिवम बाबा जी इस कथा को आपके बीच में लेकर आए। हम गईयों की सेवा के लिए धनी मनी लोगों की बस्ती में बैठकर कथा करेंगे, और पहले की अपेक्षा लोग हमें ज्यादा से ज्यादा घास भूसा चोकर गुड़ दान देंगे, तो हम करोड़पति लोगों की बस्ती में बैठे, गरीब लोगों की बस्ती में नहीं। तो अगर पांच लगा रहे तो उसके आगे तीन चार जीरो लगाइए, ताकि हमें बोलते भी बड़ा आनंद आएगा। इसी कड़ी में आशीष मेठानी जी टी स्टेट से 501 रुपए की धनराशि भेज रहे हैं। दीपक भट्ट महालक्ष्मीपुरम से 500 रुपए की धनराशि भेज रहे हैं, और विनोद नोटियाल जी का परिवार भी 500 रुपए की धनराशि भेज रहा है। ताली की सेवा करते रहे। मंजू उनियाल जी हैं 551 रुपए की धनराशि भेज रहे हैं, और गुप्त दान 521 रुपए आया है। जोशी परिवार की ओर से 501 रुपए की धनराशि आई है। पार्षद दर्शन लाल बिंजोला जी, भाई पार्षद जी के यहाँ से दान आ रहा है तो मोटा दान होना चाहिए, 501 रुपए की धनराशि आई है। बिहारी लाल कोठियाल जी 500 रुपए की धनराशि भेज रहे हैं। प्रांजल राणा जी केदारपुर से 501 रुपए की धनराशि भेज रहे हैं। सोनलाल ध्यानी जी के परिवार से 501 रुपए आए हैं। रितेश थापा केदारपुर से 501 रुपए की धनराशि आई है, और गुप्त दान 501 रुपए आया है। कुलदीप केदारपुर से 500 रुपए की धनराशि भेज रहे हैं। योगेश त्रिपाठी जी जोगी वाला से 2100 रुपए की धनराशि। सब तालियों की सेवा करें। जोगी वाला हमसे कितनी दूर है? नारायण उन परिवारों को भी धन दे, तन स्वस्थ दे, घर में सुख हो शांति हो। सर्वेश शक्लानी जी के परिवार से भी 1100 रुपए की धनराशि आई। समस्त दानदाताओं के लिए सब एक बार ताली का जय घोष करें। नारायण हम सब के मन में उल्लास हो, उमंग हो, और हमारे घर में धर्म का हिस्सा सबके घर में है, हम अपने देव की रक्षा में सुरक्षा में सब लगा पाए। 14 तारीख को सबसे पहले लगभग 10 बजे हम सब बैठकर यहाँ जप और ध्यान करेंगे। जिन माताओं ने बहनों ने सीखना है वो अपना नाम नोट कराए। फिर एंड टाइम पर मैं किसी का नाम नोट नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे उतनी ही माला भी लानी है, सबको एक एक माला भी देनी है। रुद्राक्ष की पंचमुखी रुद्राक्ष की माला आपको दी जाएगी। आप जाप करें, ध्यान करें, भगवान सदाशिव के अनन्य प्रेम में खो जाएं। ऐसा कार्यक्रम 14 तारीख को 10 बजे रहेगा, और उसके बाद सभी ध्यान दे लें, 14 तारीख को भगवान सिद्धेश्वर का जलाभिषेक केवल मध्याह्न 12 बजे तक हो पाएगा। 12 बजे के बाद हम भगवान का श्रृंगार प्रारंभ करेंगे, फिर किसी को जल चढ़ाने नहीं देंगे। भगवान को मध्याह्न तक जल चढ़ाएं, और उस दिन सब परिवारों की ओर से साज सज्जा की जो चीजें हैं वो अभी सुन लें, क्या क्या लगेंगी। सब अपने कानों को खोलें, कहिए ना हो कि हमें सुनाई नहीं दिया। जिनके पास सोना है वो सोना लेकर आए, जिनके पास चांदी है वो चांदी लेकर आए, जिनके पास हीरे हैं वो हीरे लाए, प्लॉट है दान है, कैश नहीं है तो चेक भी चलेगा वो भी लेकर आए। उसके बाद सुंदर सुंदर वस्त्र है वो लेकर आए। मौसम की जितनी भी सब्जियां हैं जो हम सब ग्रहण करते हैं, पत्तेदार से फल तक, सारी सब्जियों से सुंदर श्रृंगार, फूलों से श्रृंगार, फलों से श्रृंगार, और जो आप अपने हाथों से कोई भी मिष्ठान या नैवेद्य बनाकर लाना चाहते हैं उससे भी श्रृंगार होगा। जो ये सब नहीं लाना चाहते, जो और रईस है वो पंच फल लाए, पंच मेवा लेकर आए, अच्छी अच्छी काजू बादाम किस्ता पिशमिश ये सब लेकर आए।
इन सारी चीजों से जितनी चीजें हम ग्रहण करते हैं, चूसने की, खाने की, चबाने की, उन सब से हम भगवान सिद्धेश्वर का श्रृंगार करेंगे। क्यों? हमारे पति जो परमेश्वर है, भगवान देवाधिदेव महादेव, आज उनके विवाह का प्रसंग है, सब मिल करके सजाएंगे और फिर अपने घरों में उस सुंदर सी प्रतिमा को लगाएंगे। हम सब ने मिलकर भगवान सिद्धेश्वर का श्रृंगार किया। 4 साल पहले जब शिवमा पुराण हुआ तो मैं भूल गया, लेकिन गूगल ने मेरे को उस दिन वो फोटो भेजी, मैंने देखा, मेरा मन बड़ा खुश हुआ कि भगवान सिद्धेश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया। सो सजाने के लिए ये सारी चीजें माताएं बहनें मध्याह्न से पहले पहले यानी 12 बजे तक मंदिर पहुंचाएं, और आप नहीं पहुंचाएंगे तो फिर मैं सिद्धेश्वर से प्रार्थना करूंगा, प्रभु जो नहीं ला रहे हैं एक छड़ी लेकर जाओ, उनकी टांगों पर एक एक छड़ी लगाओ ताकि उनके अंदर ऊर्जा आ जाए। सिद्धेश्वर किस रूप में आपके घर में प्रवेश करेगा ये आप सब महसूस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जानी जान है, पूरे जगत को जानता है। इसलिए इस विवाह की वेला पर हम सब मिल करके भगवान को सजाएंगे। इस बार इंद्रायणी और इंद्र नहीं आएंगे, जो पहला विवाह हुआ था उसमें देवताओं की ओर से भगवान को सजाने के लिए इंद्र और इंद्राणी आ गए थे, उन्होंने भगवान को सजाया, लेकिन इस बार कोई नहीं आ पा रहा है, सब डर गए हैं, क्योंकि भगवान तो अगौरी है, अब अगौरी का श्रृंगार कौन करे। लेकिन हम इस चीज को महसूस करते हैं, प्रभु सुंदर से हाथ हमें दिए हैं, हम आएंगे आपका श्रृंगार करेंगे, हमें ऐसा आशीर्वाद दो, बार बार आशीर्वाद दो, दुनिया में हम जब तक रहे तब तक आपका श्रृंगार करते रहे, आपके श्री चरणों में ऐसा आशीर्वाद। इसी कड़ी में अशोक जी मेरे बीच में बैठे हैं, सुंदर से रचना पढ़े, और उसके बाद आनंद गिरी जी महाराज जो आज कुछ ब्रह्म विचार आप सबके साथ शेयर करेंगे। अशोक जी, ॐ भूर्भुवस्वः तस्थवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषायत्मे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यच्छामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव मन्दना मुक्तिमोक्ष्ये मामृता। बोलि सिद्धेश्वर महादेव की। श्री विजेंद्र सिंह नेगी जी का परिवार है बंजारवाला से, जिन्होंने 1191 की धनाशि भेजी, जोरदार तालियां। और अशोक जी के सुंदर से विचार को आप सुने, गीत को सुने। मैं मंच पर आसीन अनुपानंद जी महाराज जी और जो कथा वाचक हैं शिवम बाबा जी और इस मंदिर के वर्तमान महंत जी आनंद गिरी जी को चरण वंदना करते हुए भगवान सिद्धेश्वर से उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान सिद्धेश्वर से उनको आशीर्वाद देने की कामना करता हूँ। और इसी कड़ी में आज पुनः आप लोगों के सम्मुख पेश हुआ हूँ। श्रोता की, लोगों की बहुत फरमाइश थी, वो बाहर मुझे बगल में मेरा दुकान है वहाँ आकर बोलते थे कि आज आप क्यों नहीं आए भजन सुनाने के लिए, तो आप लोगों के सामने पेश हूँ। इससे पहले मैं बार बार क्यों जो इस मंदिर के संस्थापक कह लीजिए, महंत कह लीजिए,
उनका नाम बार बार मैं आप लोगों के सम्मुख बोलता हूँ, महंत लक्ष्मण नाथ महाराज जी, जो जिन्होंने अपने बलिदान से, तप से और त्याग से इस मंदिर का निर्माण करा। और इसी कड़ी में महंत आत्म चैतन्य जी महाराज, जिनके कठोर परिश्रम से ये मंदिर आज इस विशाल काय रूप में स्थापित है। तो आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। और जो आज जो है ये जो जुमलेश्वर यहां पर विराजमान है, आज ही क्यों इनका पूजा अर्चना हुई ये शायद आप लोग कम जानते हैं, क्योंकि हम तो उनके साथ में रहे हैं तो हमें थोड़ा बहुत इस मंदिर के विषय में भी पता है। तो मैं आप लोगों के सामने एक संक्षिप्त विचार रखने जा रहा हूं। बात उन दिनों की है कि जब महाराज जी को सोते समय, जब सुबह का प्रातःकाल के समय 4 बजे जब उनको स्वप्न हुआ कि देख तुम जुमलेश्वर महादेव मंदिर पर्वत जो नेपाल में स्थित है वहां जाओ, और वहां जाकर मैं वहां पर प्रकट होऊंगा। इस के द्वारा जो है उनका स्वप्न टूटा और वो जो है दूसरे या तीसरे दिन, मेरे ख्याल हम तो बहुत छोटे छोटे थे, ऐसा ही प्लानिंग बन गया उनका कि जो है जाना है। अब जाना तो है लेकिन एक साथी तो चाहिए ना साथ में जाने के लिए। तो वो उन्होंने हमारे जो ताऊ जी थे रघुवीर सिंह जी, उनके साथ वो नेपाल की ओर निकल पड़े। तो ऐसे ही हफ्ते 4-5 दिन हफ्ते हो गए, निकलते 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 जो है वो जो है उस पर्वत के और बढ़ने लगे। तो बढ़ते बढ़ते उन्हें ये भी पता नहीं कि मेरे साथ में हमारे भाई भी हैं। तो ऐसे करते करते जब वो आगे निकल गए तो देखा कि भाई तो है ही नहीं। तो वहां जो उस जहां वहां पहुंचना था उससे पहले कुछ जो है वहां पर इक्का दुक्का जो है गांव वाले थे, गांव क्या कह दीजिए, एक दो बसेरा था वहां पर, उन्होंने बोला महाराज ऐसी कठिन परिस्थिति में अभी तो यहां पर बर्फ ही बर्फ है, आप कैसे जाओगे वहां। तो उन्होंने बोला कि मुझे तो भगवान का आदेश है और मुझे वहां जाना जरूरी है। और जरूरी क्यों है? लोक कल्याण के लिए। तो वो पहुंच गए उस ओर। तो भगवान का चमत्कार देखिए, उन्हें ना रास्ते का पता ना किसी चीज का पता। तो एक साधु के भेष में कोई सन्यासी था वहां पर, तो वो पहुंच गए, कहने लगे महाराज कहाँ जाना है? उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है जुमलेश्वर जाना है। तो वो उन्होंने कहा अच्छा ये आपके पास पेन है? तो महाराज जी ने बोला पेन तो है लेकिन उसमें साई नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप दे दीजिए इस पेन को। तो भगवान जुमलेश्वर का चमत्कार देखिए, जो पेन नहीं लिखता था उसमें जो है उन्होंने उसमें एक नक्शा बना दिया।
बोल जुसमलेसर महादेव की। तो इसी कड़ी में पहुंचते पहुंचते जब वहां आगे की ओर बढ़े तो बर्फ बर्फ ही बर्फ वहां पर हमें बताते थे वो। तो भगवान का चमत्कार देखे कि वहां बर्फ जो है एक धीरे धीरे जो है वो बर्फ एकदम साइड में होकर उनको रास्ता मिल गया। और जैसे ही वो रास्ता मिला तो वो वहां पहुंच गए। छोटा सा जुमलेसर का एक मैं कथा बता रहा हूं। उन्होंने हमारे को बताया था कि वहां जो है ग्वाले जाते थे, ग्वाले जो है इसी रक्षाबंधन के दिन में वहां पर, बाकी और टाइम में तो वहां पर बर्फ ही बर्फ था। तो वो गए और एक जो गूंगा ग्वाला था वो दूध चढ़ाता था वहां। अब जब दूध उसने चढ़ाया तो वो चढ़ाते गया और जो है वो जहां पर वो जो शिवलिंग टाइप का था वहां पे वो जो है खाली का खाली। अब उसे बड़ा जो है क्रोध आ गया उस गूंगे को। वो चढ़ाता गया गाय को लाता गया, चढ़ाता गया गाय को लाता गया और वो जो है दूध चढ़ाता गया, लेकिन वो अंत तक नहीं भर पाया। और उसे जो है बड़ा ही गुस्सा आया और उसने बोला ये साला आज क्यों नहीं भरता। और देख लीजिए चमत्कार, जो एक गूंगे का जो है जवान जो है वो खुल गया। बोल जुमलेसर महादेव की। तो जब वो चले महाराज जी, जब वो अंतिम जो यात्रा थी वहां जब देखा उन्होंने तो एक वृक्ष के नीचे झंडे झंडा जो होता है ना झंडा, वो जो है उनको दिखाई दिया। और उन्होंने जैसे ही उस झंडे को देखा वो दौड़ते दौड़ते गए और उस झंडे को उठा लिया। वही जो है झंडा आज जो है ये जुमलेसर में विराजमान है, जुमलेसर का। एक तो ये चीज हो गया और दूसरा जो शिवलिंग है आप देख रहे हैं ना शिवलिंग जुमलेश्वर का, वो जो है वहां से उनको प्राप्त हुआ। और एक चांदी का प्रतिमा, चांदी की प्रतिमा वो भी जो है उनको वहां से मिला। और जब वो घर लेकर आए, जब उन्होंने घर में रखा तो हमारी माताजी जो थी वो बजाया भोलेनाथ ने ऐसा डमरू बजाया, भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ मगन हो गया सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बोलिए श्री सिद्धेश्वर महादेव की। अखंडानंद बोधाय शोक संताप हरिणे सचिदानंद रूपाय सिद्धेश्वराय नमो नमः। बोलिए श्री सिद्धेश्वर महादेव की। भगवान श्री सिद्धेश्वर
और इस पावन भूमि के सृजनकर्ता महंत आत्म चैतन्यपुरी जी महाराज, महंत लक्ष्मण नाथ जी महाराज के चरणों में वंदन, पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन, और आप सभी मातृशक्ति युवा भाई बहने बुजुर्ग माताएं सभी के हृदय में विराजमान मेरे भगवान सिद्धेश्वर की ज्योति को प्रणाम। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का, क्योंकि समय भी बढ़ता जा रहा है। आप सभी विगत आज कौन सा दिन है भाई? हाँ, 8 दिनों से शिवपुराण कथा को श्रवण कर रहे हैं। 5 दिन तो मैं आप सभी के मध्य में नहीं था, लेकिन भगवान की कथा नित्य प्रति श्रवण जरूर कर रहा था। हम सभी एक मार्ग पर चल रहे हैं, और वो मार्ग कौन सा है? उस परमात्मा की प्राप्ति का। कौन सा मार्ग है? हाँ, सबका मार्ग वही है, जाना सबने एक ही जगह है। कोई थोड़ा पहले पहुंचता है, कोई थोड़ा बाद में पहुंचता है, कोई आधे रास्ते तक ही पहुंचता है, और कोई घर से पैर भी बाहर नहीं रखता। उस परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में अनेकों प्रकार के कठिनाइयां, अड़चन, रोड़ा जिसे हम लोग कह देते हैं, आते हैं, लेकिन उन सबको ध्यान दिए बिना, उन सबके ऊपर से होकर हमें उस परम पिता परमात्मा की राह पर अग्रसर होना है। एक छोटा सा दृष्टांत आता है। एक राज्य के राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई। राजा को ये देखना था कि इस राज्य में मुझसे कौन जुड़ा है, तो राजा ने घोषणा करवाई। राजा ने मंत्रियों से पूछा कि क्या करना चाहिए इसको देखने के लिए, तो राजा के जो गुरु थे उन्होंने एक युक्ति बताई। अब राजा ने अपने नगर में घोषणा करवाई कि कल सुबह 8 बजे जितने भी राज्य के वासी हैं सभी को राजा ने राजमहल में बुलाया है। अब ये घोषणा पूरे नगर में हो गई। अब सभी नगरवासियों ने सोचा भैया राजा ने बुलाया है तो जाना है। अब राजा ने क्या युक्ति लगाई, अपने नगर में जो राजा के राजमहल में जो रास्ता आ रहा था, उस रास्ते पर शुरुआत में कुछ सांसारिक वस्तुएं, मोटर गाड़ी, मोटरसाइकिल, सुख सुविधाएं, ये सब चीजें जगह जगह शुरुआत में रख दी, संसार की सुखमय वस्तु। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो सोने चांदी के आभूषण, हीरे जवाहरात। थोड़ा और आगे बढ़े तो रुपया पैसा खूब राजा ने रास्ते पे रखवा दिया। अब जब सुबह 8 बजे नगरवासी चले, तो भैया कुछ जो आगे पहुंचे उन्होंने देखा, अरे रास्ते में तो ये सुख सुविधाएं रखी हैं, इन्हीं को ले लो, राजा से तो कल मिलेंगे, चलो वापस चलो जी। कुछ वो लेके चले गए, कुछ ने थोड़ा और धैर्य बांधा, नहीं थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा राजा ने बुलाया मिलते हैं। थोड़ा और आगे गए तो भैया आज के समय में 2-2 हजार के नोट चल रहे हैं ना, 2-2 हजार के नोटों के बंडल। अरे भैया जब लोगों की नजरें पड़ी तो उन्होंने भी बंडल कोई इस जेब में कोई इस जेब में, और बंडल उठाए और पीछे से पीछे निकल लिए। कुछ और अडिग थे वो थोड़ा और आगे चले। थोड़ा और आगे चलने के बाद अब सोना चांदी हीरे जवाहरात उनको मिले। इतना सब जब उन्होंने देखा, इतना सब देखने के बाद जो कुछ और थे पीछे
उन्होंने भी वो उठाए और अपने झोले में भरे और निकल लिए। लेकिन उस पूरी भीड़ में एक बुजुर्ग माता, एक बुजुर्ग माता जी लाठी टेके टुकुर 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 चली आ रही हैं, और माता जी ने कुछ नहीं देखा, गई और सीधे राजा के सिर पे हाथ रख दिया। क्या किया? राजमहल में गई और सीधे राजा के सिर पे हाथ रख दिया। तो राजा ने पूछा, अरे मेरी माता जी, आपका मेरे से बड़ा प्रेम है, आपका मेरे से बड़ा प्रेम है, जो आप इन सुख सुविधा में नहीं उलझी। तो माता जी कहने लगी, बोला राजा बात ऐसी है, अब तू मेरा हो गया तो ये तो मैं अपने आप वापसी ले लूंगी सारों से, ठीक है। तो हम संसार के भी, हम जितने संसारिक लोग हैं, हमारी भी स्थिति यही है, हम लोगों की भी स्थिति यही है। सब आगे बढ़ तो रहे हैं लेकिन किसी न किसी पड़ाव पे जाकर रुक गए हैं, और जो आगे भी पहुंच गए हैं वो उस स्थिति में पहुंचकर उस सुख सुविधा का गलत तरीके से आनंद उठा रहे हैं। कहना बूढ़ी माता जी का, ये तो सब मैं वापस अपने आप मंगा लूंगी, अब तो तू मेरा हो गया, है ना? तो ऐसा नहीं करना है। परमात्मा के मार्ग पर जो भी मिले सबको गले से लगाना है, और उस सिद्धेश्वर भगवान के चरणों में एक भाव में आज सुबह गा रहा था, अभी मुझे याद आया, दो लाइन थोड़ा सा गुनगुनाएंगे सभी बैठकर। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, कोई और नहीं वो सिद्धेश्वर भगवान है। अच्छा, कौन कौन ये बात मानता है, जरा दोनों हाथ उठाएंगे अपने, कौन कौन मानता है? भैया मैं तो मानता हूँ। सारे मानने वाले हैं यार। हाँ नहीं महाराज जी, कुछ तो बैठे हैं कि अब बोलना भी पड़ेगा, फिर से ताली बजानी पड़ेगी। देखिए इस क्षेत्र पे भगवान सिद्धेश्वर की बड़ी कृपा है, बहुत असीम कृपा उसकी बरस रही है, उसी की बदौलत हमारी सांस चल रही है, चल रही है ना। वो है तब हम हैं, हमसे वो नहीं उससे हम हैं, ठीक है। आइए दो लाइन प्यारी प्यारी गाएंगे भगवान के चरणों में और फिर आरती। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, कोई और नहीं वो सिद्धेश्वर भगवान है। तालियों की सेवा। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, कोई और नहीं वो सिद्धेश्वर भगवान है। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, कोई और नहीं वो सिद्धेश्वर भगवान है। जिसकी रहमत से होता हर एक काम है, मेरा काम है, मेरा नाम है। जिसकी कृपा से होता हर एक काम है। अच्छा, किस किस का काम होता है उसकी कृपा से? सबके होते हैं, है ना? तो पीछे भी जो कुर्सी पर बैठे हैं, और सब दोनों हाथों से ताली बजाकर। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, कोई और नहीं वो सिद्धेश्वर भगवान है। जय हो। और क्या कहते हैं, हर चाहत पूरी कर दी
दिल की आवाज को सुन कर हर चाहत पूरे दिल की आवाज को सुन कर हर चाहत पूरी कर दी दिल की आवाज को सुन कर हर चाहत पूरी कर दी दिल की आवाज को सुन कर फूलों की सेज सजा दी राहों से कांटे चुन कर फूलों की सेज सजा दी बाहों से कोली चुन कर फूलों की सेज सजा दी राहों से कांटे चुन कर फूलों की सेज सजा दे राहों से कांटे चुन कर ये किसकी कृपा से हर सुख हर आराम है ये किसकी कृपा से हर सुख हर आराम है आराम है आराम है ये किसकी कृपा से हर सुख हर आराम है अच्छा कौन है वो किसकी कृपा से ये सारा सुख और सारा आराम है कोई और नहीं वो सिद्धेश्वर भगवान है और नहीं वो सिद्धेश्वर भगवान है वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है कोई और नहीं वो सिद्धेश्वर भगवान है कोई और नहीं वो सिद्धेश्वर भगवान है कोई और नहीं वो सिद्धेश्वर भगवान है